ओम अज्ञान्ति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाय चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस टू ऑल प्रभुजीज एंड माताजीज। धन्यवाद प्रणाम हरि बोल हरे कृष्णा। मुझे पता नहीं है कैसे मैं चालू करूं। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। Anyway, very, very grateful and obliged and indebted to all of you for praying for Tulsi for so much. Prabhu, aapki kripa se wo bach ke aayi hai yaar pe. Main dekhunga Prabhu ji, right now she is taking rest because doctor ne bola hai unko itna maximum bahut antibiotics diya hai usko. Iske wajah se usko bahut neend aati rehti hai. To abhi wo bhi agar adjust hoga तो मैं उसको बोलूंगा आपके सामने आ जावे एंड शी कैन स्पीक समथिंग टू ऑल ऑफ यू इफ इट इज पॉसिबल इफ हर हेल्थ इज ओके ओके और आई विल स्पीक समथिंग ऑन दैट आल्सो प्रभु जी बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी गुड लेसन। मेरे को भौतिक दुनिया की रियलिटी समझ में आ गई है। अभी ये भौतिक दुनिया क्या है उसको मुझे समझ में आ गया। क्या ये भौतिक दुनिया है, क्या मिजरेबल जगह है यहाँ पे। सो प्रभु आज जो है ना मुझे लगा कि मैं तकरीबन 10 दिन से आपके साथ में नहीं था, तो मुझे हुआ कि कुछ आपके साथ में एसोसिएशन ले लो। आई थॉट लेट मी जस्ट गिव टुडे क्लास क्योंकि आज 15 अगस्त होने की वजह से सबको छुट्टी भी है और छुट्टी होने की वजह से मुझे हुआ कि थोड़ा क्लास दे दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि टुडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। तो टॉपिक हमको जो है ना मुझे ऐसा लगा कि जो है 19 को हमारे जन्माष्टमी है फ्राइडे को, तो किस तरह से हमको कॉन्शियसनेस रखनी है जन्माष्टमी के दिन, यानी अभी से ही को कॉन्शियसनेस प्लान करते जावे जिससे जो है हमको समझ में आवे कि हमको जन्माष्टमी से क्या चाहिए। फॉर अस कृष्णा इज एवरीथिंग, हमारे लिए कृष्णा सब कुछ है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए जन्माष्टमी के वक्त पे। तो इसलिए मुझे व्याख्या किया कि वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम जन्माष्टमी। नॉर्मली प्रभु हर एक व्यक्ति अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है, पूरे दुनिया में सेलिब्रेट होती है। वहां तक मैंने देखा है प्रभु कि जो कृष्णा के डिवोटी नहीं है वो लोग भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, जो है वो लोग भी जो है प्रभु फास्टिंग भी करते हैं, वो लोग भी जो है प्रभु रात को 12 बजे तक बैठते भी है, कुछ कीर्तन करते हैं, अभिषेक करते हैं। इवन दे आर नॉट डिवोटीज, आई हैव सीन इवन मुस्लिम्स ऑल्सो दे डू जन्माष्टमी सेलिब्रेशन और अच्छा फेस्टिवल करते हैं, ड्रामा रखते हैं अपने घर पे या अच्छा छोटे सा मंदिर जैसा होगा तो वहां पे जाते हैं और पूरा समय जो है प्रभु फास्टिंग भी रखते हैं, रात को 12 बजे प्रसाद लेते हैं, समथिंग वेरी सीरियस और जो है और बराबर फोकस करके और सालों के सालों से वो करते रहते। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे में और उन लोगों में फर्क क्या है,
हम भी वही चीज करते हैं, वो भी वही चीज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? हमारे क्या चेतना, बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कॉन्सियसनेस प्रभु, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कॉन्सियसनेस के उसकी कॉन्सियसनेस और हमारी कॉन्सियसनेस में क्या फर्क होना चाहिए। बेसिकली ये सब लोग जो है जो करते हैं ये सब चीजें प्रभु जी, उनका इंटेंशन थोड़ा अलग रहता है, उनको भौतिक चीज चाहिए, उनको जो है ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ उसके फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, उसके बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, उनके कोई दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आ जाएगी, इससे बेहतर है लेट मी जस्ट फुलफिल इट आउट। या तो उनके फोर फादर्स जो है सब परम वो परंपरा से उनके जीवन के अंदर पिताजी दादाजी सब लोग जन्माष्टमी के दिन सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो लोग भी जो है वो हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी एज ए डिवोटी, सिंसियर मैच्योर डिवोटी, उसकी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए जन्माष्टमी के दिन पर? लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि 19 तारीख को जब जन्माष्टमी होगा वी माइट नॉट बी एबल टू टॉक, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मंदिर में ही रहेंगे पूरे दिन। तो जो है प्रभु लेट अस डेवलप ए वेरी नाइस कॉन्शियसनेस प्रभु। क्यों कृष्णा यहाँ पे आए, क्यों यहाँ पे आए, क्या उनका मकसद है, क्या उनको प्राप्त करना था कृष्णा को इधर आने के बाद में, और हमारा कृष्णा के साथ में क्या रिलेशनशिप है, कृष्णा कौन है, ये सब चीज बराबर क्लियर हो जानी चाहिए प्रभु। अगर ये क्लियर नहीं है और खाली ऐसा ही समझते हैं कि जन्माष्टमी अगर नहीं आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बेहतर हम जन्माष्टमी में जाए, मंदिर में जाए, दर्शन करें, फेस्टिवल अटेंड करें, फास्टिंग करें, ठीक है, नथिंग रॉन्ग सो मच, बट प्रभु जी सिंसियर एंड मैच्योर डिवोटी ये थिंकिंग नहीं करता। सो मुझे ऐसा लगा कि हम पूरा फंडास क्लियर कर ले, हमारे लिए जन्माष्टमी क्या है, हमको क्या प्राप्त करना है जन्माष्टमी से, क्या हमारा गोल होना चाहिए, किस तरह से जन्माष्टमी जो है हमारे लाइफ में कितनी महत्व है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। प्रभु जी मैं आई विल नॉट गो टू द पास्ट टाइम्स, हमको सबको पता है पास्ट टाइम्स, सब हमको कितनी बार सुना है हमने वो पास्ट टाइम, तो आई विल नॉट गो टू एनी पास्ट टाइम, विल गो डायरेक्टली ऑन अ फिलोसॉफी प्रभु। तो पहला तो जो है प्रभु वी हैव टू गेट अंडरस्टैंडिंग इज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये पक्का कन्विक्शन आ जाना चाहिए कि कृष्णा के ऊपर कोई नहीं है। श्रीमद भागवतम के अंदर फर्स्ट कैंटो में कहा है एक एक चंक कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, पहला ही क्लियर कट, पहले ही कैंटो के अंदर जो है श्रीमद भागवतम में व्यासदेव ने कहा है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवत गीता के अंदर भी ऑफकोर्स वो कृष्ण ने बोला है, लेकिन वो कृष्णा ने भी क्लियर वहां वहां पे भी उन्होंने अपना बताया, भोक्ता राम यगता प्रसम सर्व लोक महेश्वर, पूरे लोक का उन्हें स्वामी है। वहां तक के ब्रह्म संहिता के अंदर भी जो है ब्रह्मा जी ने भी कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सबके कारणों के कारण जो है कृष्ण है। एक क्लैरिटी आ जा रही थी श्रीमद भागवतम के एग्जाम्पल से, भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, इस सब के वजह से आपको एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, देयर इज नथिंग हायर देन कृष्णा, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कृष्णा ने वहां पर भी भगवत गीता के अंदर बहुत क्लियर बताया है कि जहां पे आप हो एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है, आप जो है भौतिक जगत के लिए लायक नहीं हो, आप आध्यात्मिक जगत के लिए ही लायक हो, लेकिन आप इधर हो। अभी एक समझदार और इंटेलिजेंट आदमी होता है उसके अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मैं भौतिक जगत में क्यों हूं, मैं इधर क्यों आ गया हूं, और मैं इधर आने का और मेरे यहां का जगत में और आध्यात्मिक जगत में फर्क क्या है, मुझे जो है यहां पे जो है इतना संघर्ष क्यों होना पड़ रहा है। आध्यात्मिक जगत में बताया गया है कि देयर इज नो प्रॉब्लम्स, वहां पे जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक वो सब वहां पे मिजरीज और क्लेश नहीं है। तो एक समझदार व्यक्ति जो है उसके जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मैं यहां पे क्यों हूं और मुझे यहां पे से क्या प्राप्त करना है और क्या शिक्षा लेनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहां से कैसे बाहर निकल जाऊं। इसके लिए कृष्ण आया है प्रभु जी, लेट अस गो टू द जीसस इट्सेल्फ।
खाली कृष्णा कृष्णा जन्माष्टमी में फास्टिंग किया, हरि बोल कर लिया, कीर्तन किया, लेकिन उसका जिस्ट हमने पाया नहीं ना, तो क्या पाया हमने? कृष्णा हमको ये बताना चाहते, तुम इधर इस ये जगह के लिए लायक नहीं हो, इधर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, क्रेजी वर्ल्ड। आई विल टेल यू प्रभु, क्या क्या दुनिया ने शिक्षा दे रही है। खास करके मैंने तो बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त किया पिछले 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। तो जो है प्रभु कृष्णा हमको ये बताना चाहता है, ये भौतिक जगत के लिए आप लायक नहीं हो, ऐसा जीवन जीवे जो हम आपको बताएंगे, जो जीने के बाद में तो आप हमेशा के लिए यहां से बाहर निकल जाओ, आप यहां ये जगह के लिए लायक नहीं हो। तीसरा, अभी ये भौतिक जगत भगवान ने कैसा क्या बताया, ये भौतिक जगत कैसा है, जिससे हमको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, प्रभु जहां पे हम है उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या है ये जगत कैसा है। पहला तो जो है प्रभु जी भगवान ने बहुत क्लियर बताया, दिस प्लेस इज मिजरेबल एंड टेम्पररी, पहला ही फंडाज है, ये जगह दुखालयम है और अश्वास्वतम है, यानी टेम्पररी है, जो कुछ भी आप करोगे वो टेम्पररी है। आप व्यक्ति हमेशा विचार करता है मैं जन्माष्टमी में जाऊंगा और मेरे को रुपया मिलेगा, अरे मूर्ख, रुपया मिलने के बाद में तेरा होगा क्या, ये सब इधर छोड़ के तो जाने का है, मुझे अच्छा अच्छा पति मिलेगा ना, अच्छा पत्नी मिलेगा, ठीक है अच्छा पति और अच्छा पत्नी मिला, लेकिन कितने साल जीने वाले हो। एक समझदार आदमी जो है ना कैलकुलेशन करने लगता है, प्रभु जी आई एम 60 नाउ, 60 रनिंग, 9th दिसंबर को मेरा 60 ईयर्स खत्म होने वाला है, मैं देख रहा हूं प्रभु जी बॉडी ऐसा खींचती है, ऐसा खींचती है हमको, हैरान कर देती है प्रभु जी, इतना टेंशन ज्यादा करके वी आर थिंकिंग ऑफ बॉडी, अरे ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसा तकलीफ देता रहता। सो पहला ही कृष्णा ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला बताया, दिस इज दुखालय महसवास होता। दूसरा कृष्णा ने हमको ये बताया, दैवी ईश्वर गुणमयी मम माया दुरत्याय, ये भौतिक दुनिया जो है उसके अंदर ये जो मेरी माया पोटेंसी है, माया मीन्स व्हाट दैट विच इज नॉट, सामने जो है जाग जमाल दिखता है लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है, जैसा डेजर्ट के अंदर पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है, वो रेती होती है, ऐसा ये जो माया जो है हमको प्रलोभन में हमको टेम्पटेशन में डालती है, ये माया को जो है उसको तुमको पार करना नामुमकिन है, दैवी ईश्वर गुणमयी मम माया दुरत्याय, मैं ये भौतिक दुनिया इम्पॉसिबल है इस तरह से पार करना। एक समझदार आदमी पूछेगा तो फिर रास्ता क्या है मेरे लिए, मुझे एक बताया कि मैं इधर फंसा हूं, मुझे इधर से बाहर निकलना है, लेकिन आप तो बोलते हो कि इधर से मैं बाहर नहीं निकल सकूंगा, तो रास्ता क्या है। तो कृष्णा ने बताया, जन्म कर्म च मे वेदव्यम एवं यो वेति तत्वता, अगर जो व्यक्ति मुझे तत्वता समझ लेता है और बराबर से फोकस करता है, कृष्णा कौन है, मैं कौन हूं, ये भौतिक जगत क्या है, और ये जगत में से मुझे किस तरह से बाहर निकलना है, हर कृष्णा मुझे पूरी तरह से मदद करेंगे अगर किस तरह से मैं जीवन जिया तो तुम जो है मेरी कृपा से यहां से बाहर निकल पाओगे। सब भगवान ने जन्म कर्म चम ये दिव्य बताया, और प्रभु कृष्णा ने वो भी बताया, आप ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल लोक तक सब लोग यहां पे मिजरेबल है, मिजरेबल है, प्रभु जी टेक माई वर्ड्स नाउ, देख करके आया हो 10 दिन में मेरे देख करके आया हो, यह भौतिक दुनिया मिजरेबल मिजरेबल है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, मिजरेबल है। और फाइनली कृष्ण ने बताया, हम कोई व्यक्ति बोलते हो कृष्ण मैं तो बहुत किक खाते जा रहा हूं यह भौतिक दुनिया में, तो फाइनली कृष्ण कहते हैं कि बराबर है, तुम ये भौतिक जगत में तुम किक खाते ही जाओगे, लेकिन एक रास्ता है, तुम मेरे पे पूरा समर्पित हो जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आप जो है मेरे पे पूरा समर्पित हो जाओ, अगर समर्पित हो जाओगे तो मैं तुमको संभाल लूंगा। ये सब सिद्धांत बराबर इसे समझ लेना प्रभु जी, पहला दिस प्लेस इज अ मिजरेबल प्लेस, यहां पे हम जी नहीं सकेंगे, विल नॉट बी हैप्पी। दूसरा प्रभु जी ये भौतिक जगत जो है ना, ये माया का प्रभाव, हम उसके सामने बाहर नहीं निकल पाएंगे। दो, तीसरा
अगर कृष्णा को हम बराबर तत्वता समझेंगे और वो जो उन्होंने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है वो अगर हम बराबर पकड़ करके रहेंगे तो प्रभु हम इधर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा मत समझना कि ये व्यक्ति की दुखी है और ये व्यक्ति दुखी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक सब लोग यहाँ पे मिजरेबल है, सब मिजरेबल है। और फाइनली कृष्णा ये बताते हैं, तुम मिजरेबल हो, तुम तकलीफ में हो, तुम मुझे शरणागत हो जाना। अगर तुम शरणागत हो जाओगे ना, मैं तुमको संभाल लूंगा। तो ये फंडा समझ में आ जाने के बाद में, कृष्णा पहले कौन है, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, मेरे को यहाँ पे मैं कैसे आ गया हूँ, ये जगह का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब समझने के बाद में एक समझदार आदमी जो है ना, ये भौतिक चीज का थोड़ा थोड़ा चेक करता है कि है क्या ये यहाँ पे। तो जब यहाँ पे चेक करते हो ना प्रभु जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जगह मिजरेबल है प्रभु। एज आई वॉज सेइंग बिफोर, इवन जो नास्तिक व्यक्ति भी होगा, नास्तिक व्यक्ति भी होगा जिसको कृष्णा के साथ में कोई लेना देना नहीं है, उसके जीवन के अंदर भी एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार एक सी स्थिति उसके जीवन में आती ही है कि जहां पे वो हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, उसको कुछ समझता ही नहीं, उसको क्या करना है, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन उसका फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है प्रभु कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं हेल्पलेस और होपलेस हूं। उसका फॉल्स ईगो उसको टकराता रहता है और उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है ना कि वो सरेंडर नहीं होना चाहता है। ये ऑलमोस्ट सब लोगों का है प्रभु। नहीं तो ये चीज बहुत क्लियर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको लागू पड़ता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सबको लागू पड़ता है और सब लोग यहाँ पे से चला जाना जाना पड़ता है और सब चीज छोड़कर जाना पड़ता है। क्या भौतिक दुनिया बनाई है यार, 60 70 80 साल की मेहनत किया हुआ चीज थोड़ा कितना, ये दुनिया कितनी क्रूर है प्रभु। प्रैक्टिकल चेक करो प्रभु, कितनी दुनिया क्रूर है। 70 80 साल आपने मेहनत किया हुआ चीज, इतनी मेहनत से सब चीज बनाया रहता है, आधी सेकंड में आपके पास से खींच लिया जाता है, खींच करके आपको फेंक दिया जाता है और जहां पे भी आप जाते हो वहां पे आपको लाइफ जीरो से चालू करनी पड़ती है पूरी नई दुनिया में, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इधर आनंदित हूं। मूर्ख है प्रभु, मूर्ख है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी जाएंगे तो आपको समझ में आता है, अरे बाप रे, दिस इज व्हाट दिस वर्ल्ड, क्या मिजरेबल जगह है यहाँ पे, सब चीज छोड़ करके जाने का है और हमने कितना घोटाला, कितना एडजस्टमेंट, कितना टेंशन, कितनी एंजाइटी, कितना प्रेशर, सब चीज हमने लिया है वो चीज, सब चीज बनाने के लिए और सब चीज हमसे छीन लिया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा ना, मैं हमारे राधानाथ महाराज को मैं हमेशा पूछता रहा, मैं तो महाराज मैं समझता हूँ हम लोग भौतिक दुनिया में तकलीफ में है, हम फंस गए हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा तो कंसेशन दो, कृष्णा को बोलना चाहिए ना, थोड़ा कंसेशन दो मुझे, खाली मैंने इतना पैसा बनाया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतनी पावर पोजिशन स्टेटस बनाया, मुझे 10% तो लेके जाने दो महाराज, खाली 10%। अगर 10% भी मेरे को लेके जाना मिलेगा ना, तो मैं दूसरी जगह पे जहां पे भी जाऊंगा तो मेरा लाइफ इतना तो मिजरेबल नहीं होगा, वो 10% लेकर के कुछ काम पे तो होगा कुछ नहीं। महाराज इतना सुंदर मुझे बताया, तुमको रियलाइज होने का चाहिए ना, तुमको इधर से रियलाइज होना चाहिए ये जगह कितनी भयानक है, ये तुमको कृष्णा बताना चाहते हैं। लेकिन हमारा अटैचमेंट, हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है प्रभु, हम एक्सेप्ट नहीं करते वो, मतलब इट्स सच ए रियलिटी, रियलिटी प्रभु जी, ये हकीकत में जगह हर भयानक है, सब चीज हमारे से छीन लिया जाता है, हमको फेंक दिया जाता है और हमको, और सबसे वर्स्ट थिंग प्रभु जी, कैन यू जस्ट इमेजिन, एक बहुत धनवान आदमी होता है, उसने अपनी लाइफ के अंदर पूरा बनाया, सब चीज बराबर सेटल्ड होकर के बनाया है और उसको फिर ऐसी जगह पे भेजा दिया जाता है जो वो अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। आई वॉज जस्ट थिंकिंग दिस वे, हमारे धीरूभाई अंबानी है, उसको बोलेगा तुमको कुत्ता बनने का है और वो भी उसके फैक्ट्री के सामने कुत्ता बनाएगा। कैन यू इमेजिन, सच अ बिग शॉक इन हिज लाइफ, जो उसने पूरा बनाया है उसका मालिक को तो फेंक दिया, वही मालिक है लेकिन इज आउट, और वो कुत्ता जो है वो गेट के सामने घूमता रहता है और उसका वॉचमैन जो उसको मारेगा लकड़ी से, तो मैं इसका मालिक हूं, अरे मालिक मालिक निकलो इधर से। Can you imagine such a big shock you have get it?
सच्चे बिग शॉक इट इज। वो तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, मैं हमेशा विचार करता हूँ कृष्णा एक बहुत बड़ी कृपा देते हमारे पे कि हमको हमारा पहले का जन्म जो है हमको याद नहीं रखता है। अगर हमको पहले का जन्म हमको याद रहेगा ना प्रभु जी, वी कुड नॉट सर्वाइव, ओनली हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्या हालत है प्रभु जी, वो मालूम है ना, वो कैलाश का जीवन हमारा शास्त्र में आता है। वो कैलाश को जो है प्रभु जी, वो घर का अटैचमेंट इतना था कि घर के बाद में वो कुत्ता बना ना, सांप बना ना, सब चीज बना। प्रभु जी वो अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है। क्या दुनिया भगवान ने बनाई है, एक तो पहला इधर फंसाया, फंसाने के बाद में हमारा अटैचमेंट की वजह से हम लटक गए, और लटकने के बाद में इतना मार खाने के बाद में भी हम यहाँ पे पड़े रहते। वी आर रास्कल्स, सॉरी प्रभु जी अब थोड़ा, एनीवे रास्कल्स प्रभु जी, क्या दुनिया बना दिया है, इतना मार खाते हम लोग, इतना मार खा रहे। एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, एक थोड़ा समझदार व्यक्ति होता है, और ये सबको लागू पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा मत समझ नहीं, ये मुझे ही लागू पड़ता है ना, आपको लागू नहीं पड़ने वाला है, सबको लागू पड़ता है, सबको यहाँ पे लागू पड़ रहा है। तो एक समझदार आदमी जो होता है ना प्रभु, वो क्या विचार करते हैं, अरे बाप रे दिस इज टू मच यार, ये क्या है दुनिया, ये क्या दुनिया है, सब छीन लेने का। उदयन प्रभु जी एक समझदार और मैच्योर पर्सन होता है ना, वो भागता है सब जगह पे। किसके लिए भागता है, he runs here and there only for one person, one reason, मुझे शेल्टर चाहिए, कोई जगह पे ऐसा शेल्टर दो कि मुझे कोई जगह पे आश्वासन मिले। I want some serious shelter. अगर ये शेल्टर नहीं मिलेगा मेरे लाइफ के अंदर तो आई बी miserable. प्रभु एक इंटेलिजेंट आदमी जो है ना, थोड़ा सोबर बन जाता है ना दुनिया को की खाकर करके, उसके जीवन के अंदर एक चीज आ जाती है, मुझे ऐसी जगह चाहिए कि जहां पे मुझे एक शेल्टर मिल जाए। अगर ये शेल्टर मेरे लाइफ में नहीं मिला तो आई विल बी मिजरेबल तो हुई, लेकिन और मिजरेबल होगा। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, प्रभु आप सबसे ज्यादा दुखी हो और आपके पास कोई काउंसलिंग करने आता है, कोई आपको आपका घर का कोई आदमी आपके साथ में प्रेम से बात करता है, Can you imagine how much shelter you get? लेकिन जब आप बहुत दुखी हो और आपके सामने कोई आता भी नहीं है, प्रभु आप ज्यादा दुखी हो जाते हो, अब ज्यादा दुखी हो। और भौतिक दुनिया ऐसी भगवान ने बनाई है ना, हम कंटिन्यूसली दुख का स्वाद आता ही रहता है, कंटिन्यूस हमको किक मारता रहता है ये दुनिया। क्या प्रभु जी, कितना हम रिजिट होते जाएंगे। व्यक्ति जो है ना रिजिडिटी होती है ना प्रभु जी, वो रिजिडिटी जो है अपने फॉल्स ईगो या अपना अटैचमेंट से होगा, लेकिन भौतिक दुनिया तुमको इतना किक मारती रहती है। आई गिव यू सम वेरी सीरियस एन एग्जांपल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अवर चाइल्डहुड इटसेल्फ। अब देखो प्रभु जी, आपने हमने कितना संघर्ष किया है पढ़ाई करने के लिए, कितना कॉम्पिटिशन, कितना हार्ड वर्किंग, कितना कितना संघर्ष किया है और कितना टेंशन लिया है हमने। ऐसा करने सब स्मूथ हो गया है, खास करके जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए हुए, कितना संघर्ष किया। फिर वो संघर्ष करने के बाद में हमने सेटल्ड होने के लिए कितना प्रॉब्लम फेस किया, और वो प्रॉब्लम फेस करने के सेटल्ड होने के लिए, यानी अगर जो प्रभु जी है तो प्रभु जी को जो है अपना बिजनेस के अंदर सेटल्ड होना है या अपना जॉब के अंदर सेटल्ड, कितना हमने संघर्ष किया लाइफ में। अब देखो चेक करिए प्रभु, और वो सेटल्ड होने के बाद में जो है प्रभु जी उसकी दूसरी लाइफ चालू होती है, किसी वो क्रेविंग, जैसा हमने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले मैंने वो हस्बैंड वाइफ का बताया था, वो क्रेविंग इतना हमारा जबरदस्त होता है कि वो क्रेविंग को दबाने के लिए हमको लाइफ पार्टनर ढूंढना पड़ता है, जिससे वो क्रेविंग सब्ड्यूड हो जाए और हम फोकस हो सके। और वो क्रेविंग को दबाने के लिए प्रभु जी दूसरा झमेला कितना आ जाता है, वो सामने वाले व्यक्ति का फॉल्सी को सामने टकराना पड़ता है, उसके लिए कमाना पड़ता है, उसकी लाइफ को सेटल करना पड़ता है, उसका सेविंग करवाना पड़ता है, उसका रिटायरमेंट का सब चीज करना पड़ता है, खाली वो क्रेविंग के लिए। क्या संघर्ष है प्रभु जी, थोड़ा विचार करो। अच्छा वो क्रेविंग जो है प्रभु जी थोड़ा दब भी गया तो दूसरा झमेला चालू होता है। दूसरा झमेला क्या होता है, बच्चे घर पे आ जाते बच्चे को संभालो, उसके लिए सब प्लानिंग करो, उसकी कैरियर के लिए विचार करो, उसके लिए पैसे कमाओ, उसके लिए टेंशन लो। वो कब, जब धीरे 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 25-30 साल के बाद में वो खत्म होता है, तब तक भौतिक दुनिया इतना बड़ा स्लैप मार देती, तब तक तो बूढ़े हो जाते और तुमको लगता है अरे क्या वांदा है, मैंने पैसा बना लिया है ना,
अगर तुमने, अगर भगवान ने चाहा और आपने कुछ बना लिया, बहुत पढ़े लिखे हो ना, तुमने कुछ कैरियर में संघर्ष लेकर के कुछ पैसा बना भी लिया, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या चालू होता है? बुढ़ापा का, बुढ़ापा का टेंशन तुमको चालू हो जाता है। ऐसा बॉडी तुमको जस्टिस नहीं देती है, इतनी कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाती है। उसके साथ में फाइट मारो, उसके साथ में फाइट मारने के बाद में ईगो क्लैशेस होता है तुम्हारे बच्चियों के साथ में, तुम्हारे फैमिली के साथ में, क्योंकि तुम ओल्ड जनरेशन की और नया जनरेशन आ गया रहता है, जनरेशन गैप, उसके अंदर संघर्ष चालू होता है। वो चालू हो जाने के बाद में प्रभु जी तुमको दिखने लगता है अभी सब खत्म होने वाला है थोड़े समय में सब खत्म हो जाने वाला है और मुझे जीरो होकर के इधर से बाहर निकलने का। जस्ट इमेजिन प्रभु, इट्स सच ए क्रेजी प्लेस। खाली हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होने की वजह से प्रभु हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा अटैचमेंट की वजह से हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते, वरना इट इज सच ए रियलिटी। और फिर जो है प्रभु हमको समझ में आ रहा है ये सब चीज चला जाएगा अभी मेरे जीवन, इसलिए हमको टेंशन आने लगता है कि भाई अभी क्या करूं मैं सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा इधर ट्रांसफर कर दो, क्या ट्रांसफर करें मालूम ही नहीं है किधर जाने वाला है तुम क्या दुनिया। प्रभु जी आई कैन टेल यू, अभी मेरे को ये ना ये वर्ड भी जो है ना मेरे को बहुत इनसफिशिएंट, जैसे राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि देवी ईश्व गुणमयी मम माया द्वितीय का जो वाक्य है ना, जो कृष्णा बोलते हैं ना कि जो है ना ये माई मटेरियल एनर्जी नो बडी कैन ओवरकम इट, तो महाराज हमेशा बोलते कि मेरे को, मैं उस समय जब ये क्लास दिया था उन्होंने कोई फॉरेन कंट्री में दिया था, तब उन्होंने बोला मेरे को 35 साल कृष्ण भक्ति में हुआ है, या आज से आई थिंक 10-15 साल पहले की ये क्लास है उनका, तभी वो बोल रहे थे कि मेरे को 35 साल कृष्ण भक्ति में हुआ है और 35 साल के बाद में मैं कह सकता हूँ ये स्टेटमेंट जो कृष्णा का है ना वो अंडर स्टेटमेंट है, दिस मटेरियल वर्ल्ड कह रहा हूँ इट इज सो डिफिकल्ट टू ओवरकम, ऐसा बोलते कृष्ण भगवदगीता में। लेकिन महाराज बोलते इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ओवरकम, इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम, इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम। उसी हिसाब से आई कैन फील इट, ये भौतिक दुनिया क्रूर है, ये क्रूर अंडरस्टेटमेंट है प्रभु, अंडरस्टेटमेंट है, क्या मारते हैं यार, क्या मारते हैं। थोड़ा हैवी बोलूं कि गुड़ी गुड़ी बोलूं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई स्पीक, विपुल प्रभु व्हाट शुड आई स्पीक, थोड़ा हैवी बोल दूं क्या मुझे, व्हाट एवर कृष्णा इज इंस्पायरिंग यू टू स्पीक प्लीज स्पीक दैट। ठीक है, मैं अभी थोड़ा बोल ही देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इतना मार भी खाया है ना, तो मुझे थोड़ा मार बहुत लगा हुआ है, सो आई विल टेल सम। प्रभु जी इसके लिए कितना किक लगता है ऐसा मत समझना, माता जी इसके लिए भी किक नहीं लगता है, माता जी इसको भी कितना किक है, उसको जो है पहले तो जो है पढ़ाई करनी पड़ती है विद दैट इंप्रेशन का अच्छा वर्ब अच्छा हस्बैंड मिले, और उसका फोकस ये रहता है बिकॉज शी इज डिपेंडेबल ऑन समबडी ना, वो जो है वो उसके उसको वो उसके लिए पढ़ाई करती है, उसके लिए एडजस्ट होती है, और उसके माइंड के अंदर वही फोकस रहता है कि आई हैव टू गेट एडजस्टेड, आई हैव टू गेट मैरिड, आई हैव टू सी टू इट दैट माय हस्बैंड एंड आई बिकम हैप्पी, उसके माइंड में वही घूमता रहता है। फिर वो पढ़ाई करने के बाद में उसको जो है प्रभु पहले तो उसके माँ बाप के बीच में उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर उसके हस्बैंड के नीचे रहना पड़ता है, और अभी तक देखता हूं मैं, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो प्रोबब्ली डोंट थिंक दैट वे, बट मैंने देखा है जहां पर भी वो माता जी ने थोड़ा भी सिर ऊंचा किया अपने हस्बैंड के साथ में तो वो भी दुखी और उसका हस्बैंड भी दुखी होता है। क्या दुनिया है, शी हैज टू रिमेन सबमिसिव फॉर द होल लाइफ टाइम, लाचारी है, लाचारी है प्रभु, ये भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है, ये लाचारी है। उसके बाद में थोड़ा भी बड़ी होती है, थोड़ा जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ, और बच्चों का अटैचमेंट होता है बीइंग ए वुमन, उसका अटैचमेंट बच्चों के साथ होता है, तो बच्चों के लिए उसको इतना सेक्रीफाइस इतना एडजस्टमेंट करते हैं। और मैंने देखा है प्रभु जी, लड़का जब भी बड़ा हो जाता है ना प्रभु, वो तब जब तक उसको कोई आसरा नहीं होता है तो जो है प्रभु वो चलता रहता है, लेकिन जिस समय जिस दिन वो बच्चा लड़के का शादी होता है उसी दिन उसकी माँ उसके हाथ माइंड से चला जाती है और उसकी पत्नी सामने आ जाती है, क्योंकि उधर उधर से इंद्रतुप्ति मिलती है, मां के सामने उसकी सेवा करनी पड़ती है, इतना सेक्रीफाइस इतना ममता इतना इमोशन सब देने के बाद में वो लड़का उससे दूर और वो चली गई अकेली, और फिर वापस वो लाचारी का जीवन जीना पड़ता है।
और सबसे ज्यादा कठिन वो माँ के लिए क्या होता है पता है, कि जो लड़की उसने चूज किया था उसके लड़के के लिए, थोड़ा बहुत अगर कल्चर फैमिली है, उसने चूज किया होता है वो लड़की के लिए, लड़की घर पे लाने के लिए, वो लड़की यानी उसके लड़के की बहू, वो लड़की यानी उसकी बहू, वो माता जी को यानी उसकी माँ को यानी उसकी मदर इन लॉ उसको डिक्टेट करती है, और ये सास उसका डिक्टेशन उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उसका लड़का उसकी वाइफ के साथ में अटैच जितना है उतना उसके माँ के साथ में नहीं है। और वो लाचारी में चूज उसने किया क्या दुनिया है यार, क्या दुनिया है, चूज उसने वो लड़की को किया था, और वही लड़के उसको डोमिनेट करती है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही जीना पड़ेगा, क्यों और करेगी क्या, लाचार लाचारी क्या करेगी, अकेली भाई है कहाँ जाएगी, हस्बैंड अगर पहले गुजर गया है तो कहाँ जाएगी। अच्छा हस्बैंड ने सब चीज रखा है उसके लिए, फाइनेंशियली ये सब चीज रखा है, लेकिन भाई आदमी है वो अकेली रह नहीं सकती, उसके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि अकेली इंडिपेंडेंट जी सके, और उसको इनसिक्योरिटी भी लगती रहती है, और वो इनसिक्योरिटी की वजह से जो है प्रभु वहां पे पड़ी रहती है, क्या दुनिया है यार। और फिर जाना है, जाने के बाद में नया जीवन नया खेला, कहां जाएगी क्या पिस्तौल पता है, क्रूर दुनिया है प्रभु जी, क्रूर दुनिया है प्रभु जी को, तो वैसे ही मैंने बताया क्या क्या लाइफ में होता है। I told you so many times about myself, Prabhuji. I was always thinking. मैं जब भी छोटा था ना तब मेरे पिताजी नहीं, मेरे चाचा जी मुझे हमेशा कहते थे, अरे पढ़ कर, पढ़ाई कर, नहीं तो तू डूबा है, तू गुड पॉलिसी करेगा हमेशा, तू स्टेशन पे गुड पॉलिस करेगा, ऐसा मुझे हमेशा कहते रहते थे। मैं हमेशा विचार करता था गुड पॉलिस करने में क्या तकलीफ है, खोटा काम तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को हमेशा मेरे पिताजी हमेशा मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे तू तेरे को गुड पॉलिसी करना है, क्योंकि तू तेरा दूसरा कोई औकात ही नहीं, और मेरे को जो है प्रभु जी मेरे को इतना बोला कि तुम पढ़ाई करेगा तो ही तुम सुधर जाएगा, भगवान की दया से भगवान मेरे को बहुत पढ़ाई दे दिया है, मेरे को एज ऑफ 23 आई हैड 9 डिग्रीज, इससे ज्यादा क्या मिल सकता है। तो मेरे चाचा जी के पास गया और चाचा को बोला कि चाचा मेरे पास इतना पढ़ाई है तो भी मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को अभी भी अंदर एंग्जाइटी और टेंशन लग रहा है। तो तभी मेरा चाचा ने क्या बताया, अरे मूर्ख पढ़ाई करने के बाद रुपया कमाएगा तभी खुश होगा। बाद में मैंने प्रभु जी आई वर्क इन वन ऑफ द कंपनी कॉल्ड कैपिटल मार्केट, अभी मेरा आदमी 22-23 साल का लड़का होता है, उसका 1-2 हजार रुपए का खर्चा होता है, वो एक ही पहले स्ट्रोक के अंदर तुमको 10,000-12,000 के ऐसा कुछ पगार मिलता है, यू फील यू आर सच ए हैप्पी पर्सन, तुमको भगवान ने सब कुछ दे दिया, दूसरा कोई खर्चा नहीं, आगे पीछे कुछ देखने का नहीं है। तो मैं मेरे चाचा को बोला मैं खुश हूँ इतना, लेकिन मेरे को इतना पैसा मिला तो भी मैं खुश नहीं हूँ चाचा जी। तो फिर चाचा बोला कि शादी करेगा ना तभी खुश होगा, इंद्रतृप्ति होगी ना, क्रेविंग हो रहा है ना तुम्हारा, वो क्रेविंग सेटिस्फाई होगा तभी तुम खुश होगा। प्रभु जी शादी किया कुछ खुश ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ बच्चे होगा तभी खुश होगा, बच्चे हो गए कुछ ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा है। अच्छा बोला बैंक बैलेंस बढ़ेगा तभी खुश होगा, बैंक बैलेंस भगवान ने दे दिया, कब तक मेरे को अक्कल आ गई, ये सब खाली बनाने का धंधा ही है, ये सब ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। तभी मैंने चाचा को बोला चाचा अभी मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं मिजरेबल हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तब चाचा ने मुझे उस समय चाचा ने मेरे को बाजू में बोला, हमारे गुजराती में अब बधू आवूज हो, यानी ये सब ऐसा ही चलता है, एब्सोल्युटली नॉनसेंस प्रभु जी। तभी मुझे समझ में आ गया दिस इज ऑल नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, सब सब हवा में चल रहा है सब चीजें, ये दुनिया क्रूर है प्रभु जी, हमको मारती रहती है, लेकिन हमारा अटैचमेंट और हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है हम एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सब, इसलिए प्रभु जी वी नीड सम शेल्टर, हमको ऐसा ही कोई जगह चाहिए जहां पे हम हृदय खोल करके कहे कृष्णा मुझे संभाल लो, मुझे कुछ चाहिए। और वो अगर व्यक्ति के पास वो शेल्टर मिल जाता है ना प्रभु, टेक माई वर्ड्स, उसको इतना रिलीफ मिलता है, भले वो यहाँ पे भी है उसको इतना रिलीफ मिलता है। प्रभु आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ। प्रभु आपको सब कुछ पता है, मैंने लास्ट टाइम वो आई थिंक विपुल प्रभु ने मुझे बोला था वहां से थोड़ा क्लास दे देना, तो मैं आईसीयू के बाद पार ही जाकर के मैंने आधा घंटे का जो कुछ भी हमारे लाइफ में हुआ वो चीज मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ मेरे लाइफ में। प्रभु
ऑल आई कैन टेल यू इज मुझे भौतिक दुनिया की रियलिटी समझ में आ गई पिछले 10 दिन के अंदर। 12 घंटे के पहले, 12 घंटा या खाली 12 घंटे के पहले मेरी वाइफ मुझे गरम रोटी खिला रही है, फुलका बोटी हमारा गुजराती में बोले ना, वो फुलका रोटी खिला रही है। और 12 घंटे के बाद में वही जो वाइफ जो है मेरे को फुलका रोटी खिला रही है वो मुझे ऐसा बोल रही है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ना कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया है, ना कुछ हेल्थ इश्यू आया है, एब्सोल्युटली कुछ प्रॉब्लम नहीं था। खाली 12 घंटे के बाद में वो मुझे पाव पकड़ करके बोल रही है कि मैं श्वास ही नहीं ले पा रही हूं, और आउट ऑफ द वे हो गया है मेरा श्वास ही, उसका लंग्स पूरा चौकअप हो गया था, मैं श्वास नहीं ले पा रही हूं, मेरा पाव पकड़ करके बोल रही है कि हमने इतना साल साथ में रहे हैं, मैंने जो कुछ भी गड़बड़ किया है मुझे माफ कर देना, अभी मैं जा रही हूं। बोला तुम क्या बोल रही हो, मैं क्या करूं, मैं श्वास ही नहीं ले पा रही 12 घंटे में, 12 घंटे में इतना चेंज हो गया, इधर गर्म रोटी खिला रही है और इधर जो है 12 घंटे में बोल रही जा रही, और अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, उसको कोई डिजीज प्रॉब्लम है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, एब्सोल्युटली नथिंग। क्या दुनिया है प्रभु जी, क्या क्रूर दुनिया है प्रभु जी। एंड आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु जी, मैं भी हिल गया डेफिनेटली, मैं कुछ इतना शुद्ध भक्त नहीं हूं कि मैं जो है बोलेगा ट्रांसेंडेंटल हूं, मैं हिल गया प्रभु जी, मैं हिल गया। रात को 3 बजे उसने मेरे को गुरुवार की रात को पहला बताया कि तू जो है मैं जा रही हूं, मैं हिल गया। और फिर सब बहुत प्रोसेसेस चला किया, सीटी स्कैन ये वो, 1000 ICU में डाला, ये किया वो किया, 1000 चीज उसको किया, बाइपैप जो है वेंटिलेटर के थोड़ा नीचे बोला जाता है वो बाइपैप उसको लगाया गया है। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी प्रभु जी, और डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया कि 3 दिन जो है उसको इस तरह से रहना पड़ेगा, अगर 3 दिन वो निकाल पाए देन शी कैन सर्वाइव। बोले इधर एक एक सेकंड निकलने, एक एक श्वास निकालने में उसको तकलीफ हो रही, वो 3 दिन कैसे निकाल पाएगी इस तरह से। मैंने समझ गया प्रभु वो जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो जा रही है। 12 घंटे में, 12 घंटे में इतना चेंज। और ऐसा नहीं था कि प्रभु जी उसको कोई अच्छा, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था डेफिनेटली, पर क्या ठीक, क्या दुनिया है प्रभु। पिछले 6 महीने के अंदर आपको पता होगा उसका एक नोज का ऑपरेशन हमने करवाया था, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले जब नोज का ऑपरेशन करवाने के बाद में जो है प्रभु उसको अस्थमा एकदम कंट्रोल में आ गया, वो अस्थमा का पूरा अस्थमा से ही बाहर निकल गई थी, शी वॉज नॉट टेकिंग दैट पंप ऑल्सो। हम दोनों को अस्थमा है, मुझे पंप लेना पड़ता है, वो पंप भी नहीं लेती थी, मुझे इसका तो अस्थमा ही चला गया। और उसके बाद में ऐसा आ गया बाप रे, और सिर्फ 12 घंटे में, क्या क्रूर दुनिया है प्रभु जी, यहाँ पे कुछ प्लानिंग ये काम ही नहीं लगता। और मैं हिल गया प्रभु जी, आई वॉज कंप्लीटली शेकन अप। इस तरह से दुनिया, इतनी क्रूर दुनिया है। पर मैंने ना प्रभु जी, अब क्या मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हुआ कि मैंने कल्पना ही नहीं किया था कि वो मेरे पहले जल जाएगी, मैंने कल्पना नहीं किया था, क्योंकि हमारे उसकी उसके सब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची भाई, उसके उसके भाई के, उसके पिताजी के बहन, सब लोग, सब लोग, सब लोग, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, सब 80 और 90 के बीच में जीते, कोई कोई तो 95 96 तक गए। तो मुझे हुआ कि तू तो सेंचुरी मारने वाली है, तो मैंने बोला तू तो जो है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे के बाद में, असल मैंने ऐसा प्लानिंग ही किया है मेरे लाइफ में प्रभु जी, उसके लिए मैंने सब ऐसा प्लानिंग किया कि अगर हमारा लड़का की शादी हुआ और वो लड़का उसकी बीबी की हो गई, तो ये अगर मैं चला गया तो वो रास्ते पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने ऐसा प्लानिंग किया था, और वो प्लानिंग में जो है प्रभु जी मैं शॉक हो गया, अरे ये तो मैं तो ऐसा विचार करता था मैं पहले जाने वाला हूँ, और ये तो पहले जा रही है, और अभी बस 1-2 घंटे में वो चली जाएगी। क्या क्रूर दुनिया है प्रभु जी, क्या क्रूर दुनिया है प्रभु जी। रात को जो है वो फ्राइडे की रात को जो है मेरे को आईसीयू के बाद में, आईसीयू में हमको सोने को नहीं मिलता है, वो बड़ा बड़ा फिक्स है, बहुत टाइट होता है प्रभु जी, बाहर सब उसके बाहर जो 15 बेड्स थे, 12-13 बेड्स थे, सबके रिलेटिव्स बैठते हैं, तो वहां पे वो माहौल बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत रहता है, बहुत अनयूजुअल होता है प्रभु जी, कोई रोता है, कोई टेंशन में होता है, उसका वाइब्रेशन जो है ना बहुत खराब होता है। तो मैंने डीओटीस को नक्की करके बोला, डीओटीस को बोला कि प्रभु आप जो है ना मेरे को हमारे बाजू में राधा गिरधारी मंदिर है,
भक्ति विधान हॉस्पिटल के पास में, तो मैंने बोला कि आप वहां पे मेरे को एक रूम दे दो। सो बिकॉज डिवोटी लव्स मी सो मच, बोला मैं कैसे भी करके मेरे को रूम वहां पे दिया। तो मैंने ये आईसीयू वाले को सबको बोला मेरा मोबाइल नंबर ले लो और मुझे जो है प्रभु कुछ भी होगा तो इमीजिएटली टेलीफोन करो, क्योंकि मेरा लड़का रघुनाथ का जो है प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि रघु जैसा वो आईसीयू में गया उसको मिलने के लिए, तो उसने वो बोल तो नहीं सकती थी, बोले बाईपैक वो मिनी वेंटिलेटर जैसा लगाया था तो वो बात भी नहीं कर सकती थी। तो उसने ऐसा हाथ इंप्रेशन के बोला रघु मैं जा रही हूँ, ऐसा करके उसने इंप्रेशन दिया मैं जा रही हूँ मुझे माफ कर देना, ऐसा करके मैं जा रही हूँ, ऐसा उसने जैसा फेशियल एक्सप्रेशन दिया तो वो वहां पे रोने लगा। बोलता कि मैं हॉस्पिटल में ही नहीं खड़ा रह सकता, बोले ऐसा नहीं होता है भाई ऐसी प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन मैं इधर खड़ा ही नहीं रह सकता, तो मेरे सिर के ऊपर ही सब चीज आ गया। अभी प्रभु जी आई 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 टोल्ड टू दैट, इसलिए वो तो घर पे गया और घर पे से मेरे को टेलीफोन करता रहता पप्पी का क्या हुआ मम्मी का क्या हुआ मैं नहीं आ सकता हूँ। कैन यू इमेजिन प्रभु, कैन यू इमेजिन क्या हालत है। और वो मैं फिर वहां पे मेरा क्या हुआ, वो बुधवार गुरुवार को रात को ही उसने मुझे 3 बजे बोला था कि मैं जा रही हूँ, तो वो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। और शुक्रवार को इतना हेक्टिक, और शुक्रवार को रात को मुझे वो 2-3 घंटा नहीं सोऊंगा ना तो मेरा भी हालत खराब हो जाएगा। तो मैं वहां पे गिरधारी मंदिर के गेस्ट हाउस के अंदर गया थोड़ा आराम करने के लिए, और इनको सबको आईसीयू वाले को बोल दिया कि यार हमारा मोबाइल नंबर है इमीजिएटली मुझे टेलीफोन कर रहा हूँ मैं 5 मिनट में आ जाऊँ। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तुलसी को सुबह में देख पाऊंगा, पक्का मुझे लग रहा था कि वो गई अभी नहीं। मैं ऐसी हालत में जैसा आदमी लास्ट 2-3 श्वास लेता है तो कैसा श्वास लेता है, ऐसा ही वो श्वास कंटिन्यूसली ले रही थी, ऐसा ही श्वास ऐसा करके श्वास ले रही थी। मुझे वो कैसे वो जी पाएगी, वो भी डॉक्टर को मैं बोल रहा हूँ तो बोलते 3 दिन ऐसा निकालने का, मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन है, एक एक श्वास लेने में इतनी तकलीफ है तो 3 दिन कैसे निकाल पाएगी वो। तो जैसा मैं जो है प्रभु वो भक्ति में, अरे वो अपना गेस्ट हाउस में राधा गिरधारी का गेस्ट हाउस में गया, तो प्रभु जी आई कैन टेल यू मैं पूरी रात कैसे नींद आएगी, मैं मेरे को सोने का था तो नींद ही नहीं आवा, मैं हमेशा मोबाइल के सामने देखता रहता हूँ, कुछ बेल आया कुछ फोन आया कुछ फोन आया कुछ फोन आया, भागना पड़ेगा भागो भागो भागो। और मेंटली मैं आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली बिकॉज मी डिवोटीज आई हैव, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, मेरे को पक्का पता चल गया कि सुबह में जैसा मैं वहां पे जाऊंगा अभी आईसीयू वाले सब डॉक्टर्स डॉक्टर्स एक ही बोलेंगे वी आर सॉरी वी कुड नॉट डू एनीथिंग, ऐसा करके हाथ ऊंचा कर देंगे। और मेरे को ऐसा ही लगा कि बस जाने के बाद में मैं कल सुबह में तुलसी का फ्यूनरल लेके जाने वाला हूँ, मैं वहां तक हो गया था। क्या दुनिया क्रूर है प्रभु, क्या दुनिया क्रूर है, 12 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ है और कोई कसूर नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है वो भी बताता हूँ। एक वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस करके एक वायरस आया, वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है हमारे रघु को आया पहला, तो मंदिर में इधर उधर घूमता है तो वायरस वो लेकर के आया, और उसको वायरस जो है ना प्रभु वो वायरस उसको बिकॉज उसका उसका जो है प्रभु यंग है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने की वजह से उसको 1-2 दिन प्रॉब्लम आया, लेकिन वो ही कुड क्रॉस इट ओवर, और उसका वायरस इसको आ गया, वो साथ में सब सेवा व्यवहार करते हैं उसको आ गया। अभी इसका ये इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, 56 ईयर की है तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं था, और वो वायरस हमेशा जब भी वायरस आते हैं तो आपका वीकेस्ट पार्ट आपका बॉडी का होता है ना उसको ही पकड़ता है, तो पहले ही उसको उसने वो वायरस ने पूरा लंग्स को पकड़ लिया, और जैसा लंग्स को पकड़ लिया तो उसको ब्रेथलेसनेस आने चालू हो गया। तो हम डॉक्टर्स को क्या लगा कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम पहले से है इसलिए उसने अस्थमा के मेडिसिन देने का चालू किया, लेकिन अस्थमा से उसको प्रॉब्लम नहीं था, उसका प्रॉब्लम था वायरस। तो क्या क्या दुनिया में होता है। और फिर ये लोग के लिए फिर सब चेकिंग वेकिंग सब इतना डीप में वो लोग चले गए थे, तो ये वायरस एक बाजू से उसको लंग्स को खुला करना है और प्लस वो वायरस फिर दूसरी जगह पे मार रहा है सब जगह पे, तो वायरस को भी खत्म करना है और ये लंग्स को भी खुला करना है, वो दो चीज एक साथ में आया। और इतनी एंटीबायोटिक्स इतना स्टेरॉइड्स इतना देने के बाद में भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और 3 दिन बोला 3 दिन जाएगा, प्रभु जी ये किधर से वायरस आ गया भाई क्या मैंने इसके लिए किया भाई क्या क्या दुनिया है प्रभु जी क्या दुनिया है, ये वायरस में किधर से आ गया। और ऐसा कुछ नहीं था कि वायरस बाहर गए थे किधर
और वहां से लेके आ गए थे। प्रभु जी उस समय आई कैन टेल यू प्रभु, रात को मैं सोया नहीं हूं, सुबह में जब भी मैं सीधा मैं जब भी मैं सुबह में रघु जो है मेरे को इधर से कंटिन्यूसली एक एक घंटे पे टेलीफोन, कुछ टेलीफोन आया, कुछ टेलीफोन आया, कुछ टेलीफोन आया। मैंने बोला टेलीफोन नहीं आया लेकिन तेरे को कुछ आया, देखे मेरे को नहीं आया। मुझे जो है प्रभु जी एक ही चीज आया, मैं खाली मोबाइल ही देखता रहा था पूरी रात में सोया नहीं। वापिस आया हॉस्पिटल में गिरधारी मंदिर से भक्ति वेदांत में, तब रास्ते में मेरे माइंड में एक ही चल रहा था कि क्या भौतिक दुनिया ही आ रही है, क्या क्रूर दुनिया है, क्या लेसन मुझे सिखा रही है, तो कितना हेल्पलेस और होपलेस है ये भौतिक दुनिया में, तो कुछ कर सकता है इसमें, तेरा कोई प्लानिंग काम लगता है प्रभु? मुझे थोड़ा बहुत, मैं बहुत बड़ा बड़ा क्लासेस देता हूँ, भौतिक दुनिया इतनी मिजरेबल है, पर प्रभु उस समय जब मेरे लाइफ में हो रहा तब मुझे समझ में आया मैं जो बोलता हूँ ना बहुत थ्योरेटिकल हूँ, प्रैक्टिकल तो यही हो गया है मेरे लाइफ में, क्या दुनिया हो गई है, क्या हालत हो गई है, और कोई कसूर नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा विचार कर रहा हूं प्रभु, अगर उसको हो गया हम कोई बाकात होने वाला है क्या? हमको ऐसा कोई वायरस नहीं आ सकता है, ऐसा कोई वायरस हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम उसके लिए कैपेबल है क्या? प्रभु कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी नीड, उस समय जो है ना प्रभु आई कैन टेल यू फ्रॉम माई हार्ट राइट नाउ प्रभु, आई एम सेइंग फ्रॉम माई हार्ट राइट नाउ प्रभु, उस समय जो है ना मैंने क्या एक ही चीज किया, मैं पूरा दिन यानी थर्सडे को और फ्राइडे को प्रभु पूरा दिन मैंने खाली एक ही काम किया, मेरे हाथ में बीड बैग ही लेकर के घूमता रहता था कंटिन्यूसली, आई वॉज चैंटिंग द होली नेम एंड प्रेइंग टू द लॉर्ड, कृष्णा मुझे एक शेल्टर दे देना, अभी तुमको जो करना। हाँ एक चीज मेरे को कंटिन्यूसली मैं मेडिटेट करता रहता था, क्योंकि मैं कुछ शुद्ध भक्त नहीं हूँ प्रभु, सो मेरा भी मैं डिस्टर्ब हो गया था डेफिनेटली, तो तभी मेरे को राधानाथ महाराज का वो पास्ट टाइम बहुत अच्छा याद आता रहता है कि वो महाराज जो है ना प्रभु वो क्राइस्ट का पास्ट टाइम देते थे। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट को जो है ना उसको सूली पे चढ़ाने वाले थे ना, तो जब सूली पे चढ़ाने वाले थे तो क्राइस्ट को पता चल गया था कि उसको दूसरे दिन जो है सूली पे चढ़ाने वाले थे, तो क्राइस्ट ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया है। वो प्रार्थना में क्राइस्ट ने जो है ऐसा कहा है, ओ लॉर्ड अगर आपसे अगर आप उसको कैंसल आप उसको निकाल सकते हो तो प्लीज निकाल देना, मैं इतना बैर नहीं कर पाऊंगा, सूली पे मुझे हथौड़ी मारेंगे, ऐसा घुमाएंगे, अगर आप उसको आपको उसका निकाल सकते हो आप निकाल दें प्लीज। लेकिन फिर क्राइस्ट ने एक चीज बोला, थाई विल बी डन नॉट माई विल बी। फिर भी क्राइस्ट ने बोला था कि अगर आप निकाल सके तो निकाल दो, लेकिन फिर बात है शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म, उन्होंने ये बताया फिर भी नहीं, लेकिन ओ लॉर्ड तुम्हारा विल ही सही रहेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे वो प्रोसेस पे जाना ही है तो थाई विल बी डन नॉट माई विल। अभी मैं तो जो है मैं क्राइस्ट को याद करता था, कृष्ण अगर इसको बचा सकते हो तो बचा लेना, लेकिन वो दाई विल बोलने में थोड़ा सा अचकावट भी हो रहा था, क्योंकि प्रभु जी मेरे को लग रहा था कल सुबह में तो उसको फ्यूटल लेना पड़ेगा, उसको लेके जा रहा है मुझे अभी। ये दुनिया में प्रभु जी ये 12 घंटे के अंदर मेरे को एक समझ में आ गया कितनी क्रूर दुनिया है, सालों के सालों का प्लानिंग करते हम लोग, कितना प्लानिंग करते हैं, कितना थिंकिंग करते हैं, क्या क्या हमने लाइफ के अंदर सब ढांचा बनाया रहता है, ऐसा करेंगे ना ऐसा करेंगे, 12 घंटे के अंदर तुमको कृष्णा ने बता दिया चट निकल इधर से, मेरा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, दैवीश गुणमयी मम माया त्रत्य, लाइफ कितनी कितनी चीप है यहाँ पे, छीप है ये दुनिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रभु, उस समय आई कैन टेल यू वी नीड सम शेल्टर, अगर उधर हमारे पास लाइफ के अंदर वो शेल्टर नहीं होगा ना हम हिल जाएंगे समहाउ प्रभु, आई कैन टेल यू आई समहाउ बिकॉज ऑल ऑफ द डिवोटीज ब्लेसिंग्स और डिवोटीज का जो है मेरे को मर्सी था, मेरे को थोड़ा बहुत हरिनाम
हरिनाम पकड़ के रखा था मैंने। आई कैन टेल यू प्रभु, उससे तकलीफ होती थी मुझे, लेकिन मुझे एक शेल्टर मिल गया था, एक सीरियस शेल्टर मिल गया था, और वो था हरिनाम। हरिनाम ने मेरे को इतना शेल्टर दे दिया, मेरे को क्या वर्ष का मस्तिंग होगा, चली जाएगी ना, ठीक है, चले जाने के बाद में जो है प्रभु जी क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं हमेशा विचार करता था ये सब प्रॉब्लम के अंदर मेरे लाइफ में मैंने कितने डिवोटीज को देखा, ये प्रॉब्लम उनको आए थे, तो उनको जो है उन्होंने हरिनाम का बराबर सारा सहारा लिया, तो वो उसमें से पार कर गए, मैं भी इसी तरह से ले लूंगा, ऐसा प्रॉब्लम मेरे जीवन में आने वाला है तो मैं ऐसा ही लूंगा। और वो मुझे इतना आश्वासन देता था प्रभु, इतना मुझे आश्वासन दे रहा था उस समय, कोई बात नहीं कृष्णा मेरे साथ में है प्रभु। उस समय जब भी आपके लाइफ में अंदर बहुत तकलीफ आती है ना, तब आपको कोई भी चीज दिखता है ना कि ये चीज मुझे मदद करेगी, प्रभु आपको उससे से इतना आश्वासन मिलता है, आप वो चीज के सहारे तुम उसके समय बराबर फाइट दे सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट इट हैपेंड। आई वाज अलोन प्रभु, आई वाज वन मैन शो, था मैं भागता रहता था इधर उधर, बट मेरे हाथ में भीड़ बैग लेकर के जाता था, कृष्णा अभी जो करना है करो, मारो भी राखोगे जो इच्छा तू आए मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे, कुछ जो करना है करो कृष्ण। तब जो है प्रभु जी मुझे समझ में आ गया, कृष्ण जो शेल्टर देता है ना, वो शेल्टर मुझे कहां पर भी नहीं मिलने वाला है। हरि नाम ने जो मुझे शेल्टर दिया है ना, वो शेल्टर मुझे कहां पर भी नहीं मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द होली नेम, आई एम सो मच ऑब्लाइज टू द होली नेम। कृष्णा ने मुझे क्या दे दिया है, क्या मुझे दे दिया है। ये समय जो है ना प्रभु, हमारी कुछ भौतिक चीज काम नहीं लगती है, कुछ नहीं, ऐसा मत समझ मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है इसलिए मैं इसमें जीत जाऊंगा, मेरा बहुत बड़ी पहचान है मैं जीत जाऊंगा। कितने डॉक्टर्स प्रभु जी, ऑल 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 डॉक्टर्स, पूरा जो आईसीयू का जितना यूनिट्स था ना प्रभु जी, ऑलमोस्ट देयर वर समथिंग लाइक 30-40 नर्सेस एंड डॉक्टर्स, मोर देन 60-70% सब लोग उसके बेड के सामने खड़े रहते थे, ये करने का वो करने का ये करने का वो करने का सब कर रहे थे, बट आई वॉज वॉचिंग, नथिंग वॉज हैपनिंग, नथिंग वॉज हैपनिंग। तभी मुझे समझ में आ गया, हम कठपुतली की तरह जो है ना, हमको कृष्णा नचा रहे और हम नाच रहे हैं, और हमको ऐसा लग रहा है मैं कुछ हूं, कठपुतली की तरह हम नाच रहे हैं प्रभु जी, हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। उस समय जब हम कठपुतली की तरह नाचते हैं ना, हमको नचा रहा है ना भौतिक दुनिया, तो अगर हमारे पास कृष्णा का शेल्टर होगा ना प्रभु, दैट विल गिव यू सो मच सोलेस इन योर लाइफ। एक हर एक व्यक्ति के पास एक शेल्टर मिलना ही चाहिए, हमको ये शेल्टर जो है ना प्रभु हरिनाम देता है। आप देखना प्रभु, आपके लाइफ के अंदर इतनी ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन होगा, आप उस समय जो है प्रभु गुस्सा होने के बाद में आप माला लेके बैठना, इंटेंसली कृष्णा को याद करना, खास करके राधा रानी को याद करना, माँ जो है बहुत कृपालु होती है, उस समय जो है इंटेंसली प्रे करना प्रभु, आपको अंदर से एक ऐसा शक्ति मिलेगी, एक अंदर से एक आश्वासन मिलेगा ना, वो आश्वासन और वो शक्ति जो है ना प्रभु, आपको बाहर की दुनिया के सामने टक्कर देने के लिए आपको तैयार कर देगी। और एक मैच्योर डिवोटी जो होता है ना, वो हमेशा चेक करता रहेगा कि मेरा वो शेल्टर कहां पर भी चला नहीं जाना चाहिए, अगर वो गया तो प्रभु हम कहां के भी नहीं रहेंगे, हम खोटा काम कर लेंगे, हमको खोटी आदत आ जाएगी, हमको दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। ये भौतिक दुनिया ही हमारे लिए ऐसा बनाया है, भगवान ने हमको रगड़ना ही है, रगड़ना ही है, देयर इज नो एक्सेप्शन। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि मेरे को हुआ है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं सबको किधर ना किधर ऐसा होने ही वाला है। क्या प्रभु जी क्या अगर मेरे को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता था तो इट वॉज, मैं मुझे अस्थमा है, उसको तो अस्थमा भी नहीं था पिछले 6 महीने से, उसको ही मारा होता। भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है प्रभु, क्रूर, और उसमें अगर आपके पास शेल्टर नहीं है तो यू विल बी मिजरेबल, मिजरेबल। तो
coming back to the point is, Prabhuji, ये स्थिति के अंदर जन्माष्टमी comes into the picture. जन्माष्टमी इसके लिए होता है, कृष्ण हमको ये इंडिकेशन देता है कि तूने इधर आने की इच्छा रखी है, तेरे को अलग, तेरे को एंजॉय प्रोपरेटर कंट्रोलर बनना है, इसलिए मैंने ये रचना किया है. लेकिन ये रचना करने के बाद में मैं खुद आना चाहता हूँ तेरे पास, और उसके लिए आना चाहता हूँ कि तेरे को बताओ कि इधर खुश नहीं रहने वाला है, तू इधर मिजरेबल ही रहने वाला है. तेरे लिए जो है ये जगह नहीं है. यू आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस. यू आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस. और तूने भले मेरे साथ अन्याय किया है, तू मेरे से भाग गया, तुम मेरे को जो है जिसके लिए तेरी रचना हुई है तुम करना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे तुझे छोड़ना नहीं है. आई वॉन्ट टू सी यू कम बैक टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. जी मेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तुम इधर आ जाओ मेरे पास, तुम मेरे साथ में रहो. वो और तुम मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ और तुम मेरा ही चिंतन करो और मेरे पे सरेंडर हो जाओ और फिर जो है ये भौतिक दुनिया में से वापस निकल जाओ और फिर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन में आकर के हमेशा के लिए नित्यम जो है एक एक पूरा इटर्नली हमेशा के लिए हम साथ में रहे, तभी तुम खुश हो सकोगे. यहाँ पे तुम खुश नहीं रह सकते. इसके लिए जन्माष्टमी है, इसके लिए कृष्ण आते हैं भाई. कैन यू जस्ट इमेजिन प्रभु, कोई भी व्यक्ति ने आपके साथ में अन्याय किया है और आपको इतना अपने सब देने के बाद में भी वो व्यक्ति आपके साथ में वफादारी नहीं किया और आपको छोड़ करके चला गया, वो छोड़ करके जाने के बाद में आपको वो व्यक्ति के प्रति इतना इतना आपको उसके प्रति जरा भी भाव बिगड़ जाता है, आपको लगता है क्या इसने किया, वो आपको मन में ऐसा लगता है इसको अभी जाने दो, छोड़ दो, उसको जो करना करे, मुझे उसके सामने देखना ही नहीं है, आप हमारा भाव आ जाता है ऐसा. लेकिन कृष्ण इतना प्रेमाल है, कृष्ण को ऐसा लग रहा है नहीं, भले कैसा भी है तो मेरा लड़का ना, मैं उसका बाप हूं ना, मैं उसको वापस लेके आ जाना चाहता हूँ, मैं उसको रगड़ाना नहीं चाहता हूँ. इसलिए कृष्ण जो है अपनी पूरी लीला करते हैं जिससे हम उसमें अट्रैक्ट हो जाए. कृष्ण हमको भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसा जीवो, कृष्ण हमको श्रीमद भागवतम देते हैं जिससे जो है हमको बोले कि इस तरह से तुम्हारा जीवन होना चाहिए, कृष्ण हमको अच्छा भक्तों का संग देते हैं इसके इसके साथ में संग करते जाओ तुम्हारी चेतना बराबर रहेगी, और फाइनली कृष्ण हमको हरिनाम दे देते हैं, इसका सहारा ले और इसका शेल्टर ले ले, और भले ऊपर नीचे होगा तेरे लाइफ के अंदर लेकिन ये तुम पकड़ करके रखेगा इधर से बाहर निकल जाएगा. दिस इज द रीजन फॉर जन्माष्टमी फॉर अस. प्रभु खाली सेंटिमेंटल जन्माष्टमी मत लेना. जन्माष्टमी फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड, ये जगह पे मैं फंस गया हूं, मुझे इधर से निकलना है, मैंने बहुत मार खा लिया. प्रभु जी कौन कह सकता है यहां पे वो मार नहीं खा रहा है, कौन कह सकता है? छोटा सा छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति, खाली एक ही हमारा अटैचमेंट की वजह से हम समझ नहीं पा रहे वो बात अलग है, लेकिन कौन कह सकते वो मार नहीं खा रहा है? और इतना मार खाने के बाद में भी, जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे भगवत धाम नहीं जाना है, वो कृष्णा को इंडिकेशन दे रहा है कृष्णा मुझे और मार खाना है, मैं इतना मार सफिशिएंट नहीं हुआ है मेरे लिए. सॉरी हाँ प्रभु जी बहुत हैवी बोलते जा रहा हूं. वो हम कृष्णा को ये बोल रहे हैं मुझे और मारो, लेकिन जो आदमी पक गया था ना एकदम बराबर पक गया है, बोलता है अभी तो कृष्णा तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, बराबर पकड़ के रखूंगा, मुझे पक्का समझ में आ गया है ये मार खाते खाते अभी मैं पक गया हूं, अभी मुझे समझ में आ गया आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस. I am meant to see to it that I come back to you and be in my constitutional situation. Jivera Swarupa Krishna Nitya Das. I have understood this, Krishna. Dekh liya maine duniya. Log to pagal hai, lekin abhi mujhe nahi rehna hai pagal, Baba. Mujhe abhi pagal nahi hona hai. Mujhe pagal nahi hona. Thoda light bol deta hu. Ye bahut heavy ho raha hai. Mere ko na wo song mere ko bahut wo. पहले मैं जो है ना आई वॉज वेरी अटैच्ड टू मुकेश सॉन्ग. सबको मुकेश का सॉन्ग, मुकेश का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है. जो वो अभी तो वो मर गया लेकिन आई लव हिज सॉन्ग. उसके अंदर एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ,
हेलो, सुना है क्या? आप लोग तो नहीं सुने होंगे क्योंकि आप बहुत एलिवेटेड लोग हैं ना, लेकिन मैं तो जो है बाबू जी, मेरा कंडीशनिंग की वजह से तो जो है मुझको यार वो माफ करना, मैं नशे में। थोड़ा अंदाज, थोड़ा शांति से विचार करोगे ना तो समझ में आएगा प्रभु जी, हम सब नशे में ही है प्रभु, हम सब नशे में है। खाली नशा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन अब सब नशे में। मजा मस्ती करना यानी वो नशा, कृष्णा को समर्पित नहीं करना लेकिन मेरा ईगो के हिसाब से काम करना वो नशा। भौतिक दुनिया में अटैचमेंट रखना, भले ये सब चीज चला जाने वाला है तो भी रखूंगा नशा। सब मालूम है कि सब चीज चला जाने के बाद में भी ऐसा पकड़ करके रखते हैं और ऐसा ही समझते कि ये मेरे सामने हमेशा के लिए रहना है, नशा। इज इट नॉट ए नशा? नहीं समझ में आता, सब चीज चला जाता है। और प्रभु थोड़ा विचार करो, ये नशा होने के बाद में जब हमारे से छीन लिया जाता है ना, क्या हालत होगी हमारी, कितना कष्टमय होने वाला है हमारे जीवन में। दैट्स व्हाई प्रभु जन्माष्टमी इज मेंट फॉर दैट पर्पस। कृष्ण हमको बोलते हैं तुम बिना मतलब के इधर रगड़ रहा है, आ जाना भाई, मैं इसके लिए तेरे पास आता हूं। राधानाथ महाराज हमेशा बोलते थे, हमेशा मुझे अभी भी कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, यू 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 पुट वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण विल कम 100 steps टू यू, बिकॉज इट डजंट वॉन्ट यू टू रॉट इन दिस प्लेस। उसको अच्छा नहीं लग रहा है तुम इधर रगड़ रहे हो, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा देख रहा है कि तुम वापस आ जाओ, इसके लिए तो इधर आते हैं, हमको समझाने के लिए, हमको खींच करके बाहर निकालने के लिए। भगवत गीता क्यों क्या क्यों फाइनली कृष्ण ने बोला सर्व धर्मान परित्यज्य मान एकम शरणम, मेरे पे शरणागत हो जाओ। और आई कैन टेल यू प्रभु, अगर आप कृष्ण का शेल्टर लेते हो ना प्रभु, जब आपकी इस लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, वो शेल्टर इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, इतना आपको आश्वासन देता है, आपको लगता है मैं अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, कृष्ण है मेरे साथ। और वो जो आपको जो इंसिडेंट है ना प्रभु, आपके लाइफ के अंदर ऐसा पकड़ करके रख लेता है ना, आपको समझ में आएगा जो भी होगा अभी तो कृष्णा तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा। आपको 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 पता होगा, आई डोंट नो बट आई हैव सीन फिल्म्स में, वो फिल्म होता है ना, फिल्म में एक माता जी होती है, हस्बैंड वाइफ होता है, वो वाइफ जो है ना उसने कुछ भूल कर लिया लेता है अपने फैमिली में, और फिर उसको मालूम होता है कि उसने भूल कर लिया, और उसका हस्बैंड उससे बहुत गुस्से हो जाता है, और बहुत गुस्से हो जाने के बाद में जो है ना प्रभु, वो हस्बैंड उससे गुस्से हो जाने के बाद में चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो उसकी पत्नी उसके पीछे जाती है और उसको बोलती है कि मनाती है कि मैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो हस्बैंड बिकम सो मच, सो डिस्टर्ब, ही डजंट वांट टू केयर फॉर हिज वाइफ। तभी वो जो है ना उसकी पत्नी जो है ना एक लास्ट स्टेप लेती है, तो मैंने देखा है बहुत बार फिल्म में कि वो उसकी पत्नी उसका पति का पाव पकड़ लेती है, उसका पाव पकड़ लेती है, और वो हस्बैंड जाता है ना तो भी वो घिसती घिसती पर वो पाव को छोड़ती नहीं है। देखा है कि नहीं देखा? आप लोग ने फिल्म भी नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग बहुत एलिवेटेड हो ना, तो मैं तो गिरा हुआ हूँ प्रभु, मैंने सब देखा है। तो वो जो है ना वो उसका हस्बैंड जो है जाता है आगे, लेकिन वो माता जी जो है ना वो छोड़ती नहीं उसका पाव। तो प्रभु क्या होता है 3-4 स्टेप के बाद में, क्योंकि उसका भी हृदय है ना, वो हस्बैंड का भी हृदय है, तो हृदय जो है उसका पिघल जाता है कि भाई ये भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसने भूल किया, उसका मेरा पाव भी छोड़ती नहीं है, शी इज एक्सेप्टिंग इट दैट आई मेड अ ब्लंडर। फिर उसका हस्बैंड खड़ा रह जाता है, और फिर उसका उसकी वाइफ उसका पाव पकड़ती है और बोलती है मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा विचार करता था प्रभु जी कि एक कर्मी हस्बैंड का भी हृदय पिघल जाता है, घोटाला उसके वाइफ ने किया होने के बाद में भी। तो अगर ये कॉन्सियसनेस अगर मैं लेकर के मेरे मेरे पति यानी मेरे कृष्णा के पास जाकर के उसका पाव पकड़ करके खड़ा रहो, और कृष्णा को कितना भी खराब लगेगा कि इसने इतना हल्का काम किया, इतना घोटाला किया, इतना गड़बड़ किया है, और वो चले भी जाएगा लेकिन मैं उसको पकड़ करके, पाव पकड़ करके रखूंगा। एक हस्बैंड जो है 3-4 स्टेप लेने के बाद में वो खड़ा रहता है, कृष्णा तो जो है उसका मेरा तो बाप है, वो हकीकत में मेरा बाप है, वो कैसा सहन कर पाएगा जब मैं उसका पाव पकड़ करके पकड़ ही रहता हूँ और छोड़ता ही नहीं हूं। कृष्णा के मैं कितना भी नालायक और नफ्फट रहूंगा,
उसका हृदय पिघल जाएगा तुम। और जब उसका हृदय पिघल जाएगा ना, एटलीस्ट तू उल्ली में है तेरे लिए वही रास्ता है, तेरे लिए वही होप है। दिस इज द ओनली होप वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस मेस। दिस इज वॉट इज जन्माष्टमी फॉर अस। जन्माष्टमी इसके लिए है हमारे लिए कि हमको ये बताना चाहती है, एक्सेप्ट कर लो, मार मत खाओ भैया, मार मत खाओ, कितना और मार खाओगे, कितना और केक खाओगे, लाइन में आ जाओ, इतना जीवन में समर्पित कर लो। अभी समर्पित कैसा करेंगे, अभी पहला प्रभु हरि नाम को एकदम आश्रय ले लेंगे। आई फील सो हैप्पी प्रभु जी, आई फील सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हम लोग इतना साथ में प्रभु जी, वी हैव एब्सोल्युटली, टेक माय वर्ड्स प्रभु, आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट इटसेल्फ, वी हैव एब्सोल्युटली नो एजेंडा, नो एजेंडा, कुछ हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे पास कुछ भौतिक चीज नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाहिए, आप हमारे साथ में आओ, हम साथ में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में दो 16 माला करेंगे, शनिवार रविवार को 32 माला करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे कि हरि नाम का आश्रय ले ले। ये है एब्सोल्युटली नो अदर मोटिवेशन, हरि नाम ले लो प्रभु, एक आश्रय ले लो प्रभु, एक शेल्टर। मैं देख रहा हूँ प्रभु, ये मेरे को इतना मदद मिला है ना, एक मैं वर्ड को दो दिन जो है मेरे लाइफ में जो गया है ना, खास करके थर्सडे और फ्राइडे, तब तो मुझे तो समझ में आ गया ये हरि नाम ही मेरे को कुछ दे रहा है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें सुपर शेल्टर। नो डाउट मैं हिल गया था, मुझे मैं हिल गया था, क्योंकि क्या है 30 साल हमारा 23 अगस्त पे हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, हमको 30 साल खत्म हो रहा है शादी को। जो व्यक्ति 30 साल के साथ में है और माइंड में ऐसा कंसेप्शन ही नहीं है कि वो जाने वाली है, और तुमको जो है प्रभु जी 12 घंटे में वो चली जा रहे ना प्रभु, माइंड को एडजस्ट होने में ही टाइम प्रॉब्लम हो गया था, वो माइंड को सेटअप देने में ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे सेट करूं मेरी माइंड को कि भाई वो गई, अभी मेरे को एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर प्रभु जी डेफिनेटली बीइंग ए हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग ने बहुत घोटाला भी किया है, फाइट भी मारा है, इनजस्टिस फाइट बैट सब चीज हुआ है, तो वो सब याद भी आता है कि अभी क्या करूं, मैं माफी भी नहीं मांग सकता उसके पास से, मैंने घोटाला किया है मुझे माफ कर देना, सब खत्म हो गया है। प्रभु ऑल आई कैन टेल यू इज हरि नाम बहुत शेल्टर देता है, बहुत शेल्टर दिया। दूसरा चीज, ऐसा भक्तों के संग में रहो प्रभु जो भक्त आपको हमेशा उत्साहित रखे। यह भौतिक दुनिया प्रभु जी मारती है, आपको लगेगा प्रभु जी आपका प्रॉब्लम है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज बी केयरफुल, टेक माई वर्ड, प्लीज बी केयरफुल। आज के दिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आएगा ना प्रभु, और आप अगर बराबर ऑन गार्ड और अलर्ट नहीं है, आपको हड़बड़ा देगा। मेरे लाइफ में हुआ, 12 घंटे के अंदर गड़बड़ हो गया, 12 घंटे में प्रभु जी, मैंने विचार नहीं किया था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हिला देता है प्रभु जी, ऐसा हिला देता है। तुम पूरा कोई तुम्हारा बैलेंस शीट जमता ही नहीं है। So, प्रभु एट दैट टाइम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन गिव्स यू सो मच सपोर्ट, चांट वेरी सीरियसली, टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सर्व द डिवोटीज प्रभु जी, भक्तों की सेवा कर लो। आई वॉज सो प्लीज प्रभु जी, कितने डिवोटीज ने प्रार्थना किया, सो मच इंडेक्टेड टू ऑल ऑफ दैम, सो मच इंडेक्टेड, एंड आई कैन टेल यू नॉट 100%, 1000 लाख%। वो दूसरे दिन सुबह में अच्छी हो गई थी ना, नॉट बिकॉज उसका कुछ कैलिबर हुआ है कि कुछ ऐसा कुछ कुछ, कुछ काम बहुत बड़ा कर लिया है, प्रभु भक्तों ने की जो कृपा आई ना, वो प्रेयर्स आया ना, उसकी वजह से कृष्ण ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। सब डॉक्टर सब लोग शॉक हो गए, सब सुबह में उसका देखा कि उसका जो है वो लंग्स खुले होने लगे और वो सांस लेने लगी, सब लोग शॉक हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो पाया, एंड शी ऑल्सो एक्सेप्टेड इट कि ये सब कृष्णा की कृपा से हो गया है, पर हमारी औकात नहीं थी। मैंने तो बोला था तुलसी तुम हकीकत में बताओ, मैं आज तेरा तो वही विचार कर रहा था, आपने तेरे को फ्यूनरल में लेके जाने वाला, सॉरी बट आई वाज स्पीकिंग दिस। कल जो है परसों हम लोग जो है हम लोग हॉस्पिटल में थे, परसों रात को हम लोग घर पे आए थे, परसों उसके अगले दिन में हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, मतलब जो आज अभी
8 दिन हो जाता था, तू जाती थी तो 8 दिन हो जाता था। अभी मैं प्लानिंग करता था कि तेरा 9वां दिन और 10वां दिन और 11वां दिन वृंदावन में करूं, नासिक में करूं, किधर करूं, किधर भक्तों की सेवा करवाऊं। ये देखो, ये क्या भौतिक दुनिया है, क्या भौतिक दुनिया है। सो कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग शेल्टर ऑफ चैंटिंग द होली नेम, कीप ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सब द डिवोटीज में कितना, मुझे आई एम सो इंडेक्टेड, मेरे को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैंने डिवोटीज के साथ में क्या हुआ है, क्या डिवोटीज ने किया है। सेल्फलेसली सर्व, पर मैंने एक चीज देखा है प्रभु, जब व्यक्ति सेल्फलेसली सेवा करता है ना, वो तो आनंदित होता है। वो जो दूसरा जो सेवा करते हैं वो तो डेफिनेटली, क्योंकि उसको सेल्फलेस सेवा मिल रही है, लेकिन वो जो डिवोटी करता है उसको उससे ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि कृष्णा बहुत प्रसन्न हो गया। थर्ड थिंग इज प्रभु सेल्फलेसली सर्व द डिवोटीज। फोर्थ थिंग इज डोंट वेस्ट टाइम। प्रभु जी, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। वेस्ट मत करना टाइम, फोकस रखना प्रभु। दुनिया में फंसे हुए हैं, जब व्यक्ति फंसा होता है ना, तो वो उसको उसको जो है बेदरकारी नहीं कर सकते। और फाइनली कीप थोरो कंसिस्टेंसी इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक समझदार व्यक्ति होता है ना, वो सीधा पूरा कृष्णा के सामने आकर के बोलेंगे, कृष्णा आई एम सोल्ड आउट टू यू, आई हैव अंडरस्टूड, आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस प्लेस फॉर एवर, आई वॉन्ट अ सीरियस सोल्यूशन फ्रॉम यू, आई एम सोल्ड आउट नाउ। कंसिस्टेंसी, जिंदगी के अंतिम श्राम तक मैं तुमको छोड़ूंगा, नहीं करूंगा। कृष्णा मुझे समझ में आ गया मैं एक जगह के लिए लायक नहीं हूं और मैं फंस गया हूं यहाँ पे। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे ना, कोई टॉयलेट में होता है तो वो हमेशा बोलता, मैं कैसे टॉयलेट से बाहर निकलूं, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है। उसी हिसाब से एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसको समझ में आ गया ये हल्की जगह पे मैं फंस गया हूँ, मुझे इधर से बाहर निकलना है, बहुत हो गया यहाँ पे। क्या दुनिया है प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ। मैं हमेशा विचार करता हूँ, एक माँ बाप होता है अपने बच्चों के लिए कितना टाइम एनर्जी सब चीज देता है, और उसको जाना तो अकेले ही पड़ता है, कोई काम नहीं लगता है। उसका पति पत्नी भी साथ में होता है, इतने सालों साथ में रहा है, लेकिन जाना तो अकेले ही पड़ता है। क्या दुनिया है यार, ये क्या दुनिया है। अगर आपने तैयारी नहीं किया तो कैन यू इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ मिजरेबल सिचुएशन इट हैपेंस। सब चीज छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा विचार करता हूँ, प्रभु जी जो भी सेवा करते वो कृष्णा को कनेक्शन रख के नहीं रखोगे ना, तो आप दुखी रहने वाले, क्योंकि जाना पड़ने वाला और अकेले ही जाना पड़ने वाला और सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगर अटैचमेंट है तो दुखी रहने वाले। क्या दुनिया है प्रभु जी। और ऐसा मत समझना प्रभु ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए ये है। एवरीबडी इज एप्लीकेबल अन टू दिस, टेक इट सीरियसली। दिस इज वॉट जन्माष्टमी फॉर अस। तो प्रभु, बहुत ज्यादा टाइम होते जा रहा है, सो प्रभु कमिंग बैक टू द पॉइंट इज 19th प्रभु इज अ फ्राइडे, उस दिन जन्माष्टमी है। आई डोंट नो प्रभु, हम लोग जप्पा तो करेंगे, ऐसा विपुल पर भी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि कब कितना जप्पा हम करेंगे, कौन कर कितने बजे तक रखेंगे, वो सब बताएंगे। पर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 19th व्हेन फ्राइडे जन्माष्टमी रहेगा ना, just meditate on one thing right now, just pray to krishna, krishna I'm so grateful aap mere liye aaye ho yahan pe, idhar mere ko jo hai na kuch tumhari pao, tumko janmashtami ke din fasting karunga na, kirtan karunga na, raat tak abhishek pe attend bhi karunga, aur fir main wo tumhare paas se maangunga, mujhe acha ghar de dena, mujhe acha pati dena, acha patni dena, acha bank balance de de, uske liye tum nahi aaye ho krishna, tum krishna ye bhautik duniya mein ek cheez ke liye aaye ho, और वो है मुझे इधर से बाहर निकालने के लिए, मुझे इधर से बाहर निकालने के लिए। और मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, तुमको छोड़ करके आया हूं मैं, लेकिन तुम बीइंग ए फादर यू आर सो सो मच अफेक्शनेट टू मी, आप फिर भी मैंने तुम्हारा अन्याय किया है लेकिन तुम वापस आकर के मुझे खींच करके लेना चाहते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कृष्णा, I also make my mind very clearly, मुझे अभी इधर से निकालो। मैं ये सब चीज पांचों चीज मेरे लाइफ के अंदर कंसिस्टेंटली करते रहूंगा, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं हो सकता है कि आपके लेवल में न भी आऊं, तो
जैसा वो पाँव पकड़ करके खड़ा रहता है ना, वैसे मैं पाँव पकड़ करके खड़ा रहूंगा, तुम चले जाओगे तो भी मैं खींचता रहूंगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो हिसाब से मुझे ले लो कृष्णा, अभी बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया, बहुत मार खा लिया। आपको पता है ना, आपको वो बॉक्सिंग बॉक्सिंग देखा है ना, सब लोग ने बॉक्सिंग बॉक्सिंग में दिखा है कि नहीं, वो बॉक्सिंग में दोनों एक दूसरे को मारते हैं ना ऐसा, मुझे तो हमेशा वो टेंशन आता है, वो इतना मारते हैं तो फिर बाद में जो है ना प्रभु, दो में से जो है ना एक आदमी हार जाता है, यानी वो बेचारा घायल हो जाता है, तो घायल हो जाने के बाद में जो है ना प्रभु, फिर भी वो जो 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 जीता होता है ना, वो उसको छोड़ता नहीं है, उसको और मारता है, वो गिर गया यार, अभी इसको मारो ना, नहीं छोड़ो ना भाई, इसको छोड़ दो ना, लेकिन फिर भी उसको मारता रहता है। कभी होता है ये बहुत क्रूरता वापरता है। अभी मैं जब देखता हूं तब मुझे समझ में आता है, ये भौतिक दुनिया भी मेरे साथ ऐसा ही नहीं कर रही है क्या? मैं एक्सेप्ट कर दिया ना, मैं गिरा हुआ हूं, मैं हार गया हूं, अभी मुझे छोड़ो ना भाई, तो भी भौतिक दुनिया मारती रहती है, मारती रहती है प्रभु जी, अनर्थ के साथ में मरवाती है, फिर जो है अपने अपने जो है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक के थ्रू मरवाती है अपने को, कंटिन्यूसली उसको मारते रहती है। एंड द ओनली सॉल्यूशन इज, उस समय जो है बॉक्सर क्या बोलते हैं मालूम है, जो बॉक्सिंग के अंदर जो हार जाता है ना, वो गाइड के क्या बोलते हैं, वो जो भी होता है ना, जो जो डिसीजन देता है, उसको बुलाता है, मैं हार गया हूँ अभी मेरे को मारो मत, तभी वो बोलता है ठीक है उसको छोड़ दो। उसी हिसाब से अपना भी ऐसा होता है प्रभु, हमको वो गाइड के अंदर हिस्सा कृष्णा होता है, कृष्णा अभी इसको बोल दो, अभी भाई मुझे अभी हैरान ना करे, एंड दिस इज द ओनली वे वी है। सो जन्माष्टमी फॉर अस इज प्रभु, हम उस दिन मंदिर में जाएंगे और कबीर कृष्णा को बोलेंगे कृष्णा टेक केयर ऑफ मी नाउ, आई लर्न माई लेसन, मैंने ये दुनिया का बराबर इससे सीख लिया, बराबर सीख लिया, ये जगह मेरे लायक नहीं है, ये जगह मेरे लिए लायक नहीं है, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस मेस एंड आई वॉन्ट टू गेट आउट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, मेरे को अभी आगे नहीं देखने का है, बहुत मार खा लिया था, मुझे अभी यहां से बाहर निकल जाने का है। और मेरे से अगर मैं आपके परफेक्शन पे नहीं भी आ पाऊं कृष्णा, मैं पूरी मेरी सिंसियरिटी बताऊंगा, मैं पूरी कंसिस्टेंसी बताऊंगा, मैं कहां पर भी बेदरकारी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये बेदरकारी नहीं दिखाने के बावजूद भी मेरा स्टैंडर्ड इतना जल्दी इतने कम समय में, मैं हो सकता है मैं इतना नहीं ऊपर आ जाऊं, कृष्णा भाई तो की कृपा दे देना। फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम माय साइड, आई विल शो माय थरो कंसिस्टेंसी, थरो टेकिंग, थरो शेल्टर, एवरीथिंग आई विल डू इट, बट माय रिक्वेस्ट इज प्लीज गिव योर कॉजलेस मर्सी एंड टेक मी आउट फ्रॉम दिस मेस फॉरएवर, दिस इज जन्माष्टमी फॉर अस प्रभु, जन्माष्टमी हमारे लिए ये है। अगर ये कॉन्सियसनेस अगर रख करके आप जन्माष्टमी करेंगे ना प्रभु, तो कृष्णा को बहुत आनंद होगा, क्योंकि वो उसी के लिए आया है यहाँ पे, उसी के लिए यहाँ पे आया, नहीं कि दूसरा सब चीज देने के लिए। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, अच्छा पैसा दिया तो चला जाने वाला है, अच्छी पति दिया चला जाने वाला है, अच्छी पत्नी दिया चला जाने वाला है, अच्छा हेल्थ दिया चला जाने वाला है, अच्छा नेम फेम पावर पोजिशन दिया चला जाने वाला है, तो अरे क्या पाया यार यहाँ पे, क्या नॉनसेंस जगह है यार, क्या इधर पकड़ करके रहे? एक मैच्योर डिवोटी बोलता है इधर से ही नहीं रहने का, इधर से निकल दो, इधर से हमेशा के लिए निकाल के लेके जाओ, बहुत हो गया दुनिया में। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्सियसनेस एंड दिस इज व्हाट इज जन्माष्टमी फॉर अस, सो प्लीज टेक दिस सीरियसली एंड मेडिटेट ऑन 19th फ्राइडे को, मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट एंड चांट एज मच एज यू कैन, सर्व द डिवोटीज एंड कीप ए प्रॉपर कॉन्सियसनेस, that is the way we can celebrate Janmashtami. And finally Prabhu, you understand what fallen I am. वो कृष्णा मेरे पे भी इतनी परीक्षा देगी, आप लोग पे परीक्षा नहीं दे रहे, उसको मालूम है कि ये बहुत गिरा हुआ है, so Prabhu my request is please pray for me, I really need your prayers, I really need your prayers, I cannot survive without prayers Prabhu, समझ में आ गया प्रभु, ये जो तुलसी, एक मिनट अपन फ्लैग हॉस्टिंग चल रहा है, तो प्रभु मुझे समझ में आ गया है, वैष्णव की कृपा से हम जी रहे हैं, अगर वैष्णव की कृपा नहीं है तो क्या हो जाएगा लाइफ में, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, मैं कितना भी गिरा हूं लेकिन मुझे आपके साथ में रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे विथ ऑल ऑफ यू, सो प्लीज सी टू इट दैट आई मेंटेन
Above my Krishna consciousness, by your mercy, and remain with all of you. Everybody will pray, na Prabhu. I really need your prayers. Need your prayers. Thank you very, very, very much, Prabhu. Thank you very much. Vipul Prabhu, where is he? He has gone or somewhere. Yes, Prabhu. Do you want me to ask questions or should we end it? Prabhuji, devotees are requesting if they can take darshan of Tulsi Mataji. I am not sure. Oh, yes. Let me just check it out whether she is there. 1 minute. She is awake or not. Prabhuji, she is coming. Devotees may unmute themselves and all together loudly everyone can chant Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna Balaji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Mataji, please unmute yourself. Yes. Thank you, Prabhu. My dear devotees, thank you. It's only your prayers and your love which has got me back. It's a very small word to say thank you. And I don't need to say that keep me always in your prayers because I know you love all Ananda and Prabhu so much. So, mera wo ek fayda hai ke because I am a part of his wo mercy automatically mujhe mil rahi hai. So, I don't need to beg, but still, I'm very, very grateful. Aap log ne jo kuch किया मेरे लिए अमेजिंग एक कोई घर वाला भी नहीं करेगा उतना इतना प्यार मिला है मुझे मतलब मुझे तभी तो कुछ पता ही नहीं था मेरा क्या हो रहा है बट लेटर ऑन जैसे मुझे मैसेजेस मिले प्रभु जी ने जो सब समझाया उससे लग रहा है कि इफ आई कैन सर्व यू ऑल एनीवेयर इन माय लाइफ दैट विल बी सम रेसिप्रोकेशन ऑफ योर लव जो आप लोग ने मुझे प्यार दिया है मैं तो कुछ भी नहीं करती सुबह उठती नहीं हूँ आप लोग के जैसे जप नहीं करती हूँ बट फिर भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एनी जजमेंट यू ऑल लव्ड एंड प्रेड फॉर मी विदाउट जजिंग मी माय माय बैड क्वालिटीज माय इनसिंसियरिटी फिर भी आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह मेरे लिए प्रे किया एंड श्योरली इट्स ओनली कृष्णा को कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि अभी इसको वापस भेजना ही पड़ेगा रिटर्न टिकट देना ही पड़ेगा इतने डिवोटीज बुला रहे हैं उसको तो मैं नहीं लेके जा सकता सो आई एम बैक विथ ऑल ऑफ यू सो रियली रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे थैंक यू हरे कृष्ण Thank you, Mataji. On behalf of all the devotees, I can say we are very grateful and happy. Everyone is so happy to see you. Pray, main thodi sincere ho jaun meri bhakti mein, my devotion. I assist Anandran Prabhu better and serve all of you all. Keep me in your prayers, please. Yeah. Thank you. दरवाजा बंद कर दिया ओके प्रभु जी सो व्हाट यू वांट मी टू डू यू शुड वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर शुड वी वाइंड इट अप प्रभु हरे कृष्णा एनी डिवोटीज हैव एनी क्वेश्चंस किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज की क्लास के बाद तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं अदरवाइज हम आज का कथा यहीं पे समाप्त करेंगे कृष्णा यस विपुल प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्षा गर्ग माता जी Prabhuji, very nice to see you back after so long. Prabhuji, my question is,
टू क्वेश्चंस प्रभु जी. एक तो है प्रभु जी, हम दुख में ही क्यों इतना ज्यादा कृष्णा से कनेक्ट कर पाते? वैसे इंस्पायर्ड बाय यू एंड कृष्णा मर्सी, हर रोज मॉर्निंग में जपा तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन वो तो बस एक पता नहीं फॉर्मेलिटी है, इट्स नॉट इंटेंस. लेकिन कब जब भी लाइफ में दुख होता है तब देन वी कैन कनेक्ट टू कृष्णा वेल. तो ये तो अच्छा नहीं है ना प्रभु जी, फिर तो सुख दुख तो आते ही रहेंगे. व्हाई शुड आवर कनेक्शन विद कृष्णा शुड डिपेंड ऑन अनहैप्पीनेस सो मच? व्हाई कांट वी रिमेंबर कृष्णा इन हैप्पीनेस? दिस इज वन. अनदर थिंग इज, माताजी फर्स्ट लेट मी गिव दैट रिप्लाई प्रॉपर्ली. हम दुख में क्यों कृष्णा को याद करते हैं? और सब ठीक ठाक होता है तो कृष्णा को क्यों याद नहीं कर सकते? वो हमारी इनमैच्योरिटी है. अगर थोड़ा सीरियसली विचार करेंगे ना माता जी, हमको समझ में आ जाना चाहिए. अगर दुख नहीं है, अभी नहीं है, तो राधानाथ महाराज जी मेरे को बहुत बराबर उन्होंने ऐसा स्क्रू टाइट कर दिया ना मुझे, कि अगर अभी दुख नहीं है तो याद रखेगा खाली प्रिपरेशन चल रही है बड़ा दुख आने के लिए. बहुत बड़ा दुख आने के लिए प्रिपरेशन चल रही है. और अगर अभी बेदरकारी दिखाओगे तो जब भी वो बड़ा दुख आने वाला है ना, तब एक बहुत बड़ा लाइफ के अंदर हड़बड़ा जाओगे. तो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस डिवोटी होता है ना, जब सब चीज ठीक ठाक चलता है ना एक्सटर्नली, तब वो ज्यादा सीरियस होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का, क्योंकि उसको समझ में आ जाना चाहिए कुछ बड़ा चीज आने वाला है. और वो सबसे बड़ा चीज जब ही आएगा ना, अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं हड़बड़ा जाऊंगा और कुछ खोटा स्टेप ले लूंगा. आई कैन टेल यू अबाउट माई वाइफ प्रभु जी, 12 घंटे के अंदर, कैन यू इमेजिन? जो पत्नी के साथ में 30 साल रहा हूं, वो सब 12 घंटे पहले मेरे को, हमारे गुजराती में फुलका रोटी बोलते हैं, वो फुलका रोटी मेरे को दे रही है और 12 घंटे के बाद में बोल रही है मैं जा रहा हूं. कैन यू इमेजिन? अगर इसमें मैं अगर अलर्ट नहीं और मैं बेदरकारी करके कहूंगा, I can tell you very clearly, माताजी मैं पागल हो जाऊंगा. I would have become a mad person. क्या है दुनिया? But Krishna consciousness keeps you completely on guard. तो in short, जब भी दुख नहीं है तभी याद रखना है बहुत बड़ा दुख आने वाला है. और हमेशा याद रखना, ये भौतिक दुनिया ही ऐसी बनाई है कि दुख के, एक दुख के दूसरे दुख के बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा टाइम देते हैं. अच्छा टाइम क्यों देते हैं मालूम है? इसके लिए देते हैं कि जब भी दुख आएगा तुम ज्यादा तकलीफ में आओ. समझ में आ रहा है क्या? एक दुख के सामने दूसरे दुख के बीच में अच्छा टाइम थोड़ा इसके लिए दिया जाता है, जिससे जब भी वो दुख आएगा ना तब तुम गाफिल हो, और गाफिल होने से तुमको और मार गिरेगा. तो एक समझदार आदमी क्या समझता है कि जब भी कुछ भी नहीं होता है ना, जब बराबर गुड़ी गुड़ी दिन चलता है ना, तब उसको बराबर लापरवाही नहीं करना चाहिए. राधानाथ महाराज जी से वेरी गुड एग्जांपल, जब कौरव और पांडवों का लड़ाई होने वाला था, तब दोनों एक सामने आमने सामने जब कुरुक्षेत्र में खड़े थे, तब दोनों शांत था, एकदम शांत वातावरण था. लोगों को ऐसा लगा, अगर इतना सुंदर शांत वातावरण है, इधर तो आराम से सो सकता हूँ, इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर मैदान है. लेकिन फिर बाद जो अगर वो आदमी, सबके माइंड के अंदर तकलीफ चल रही थी लेकिन वातावरण इतना शांत था, लेकिन बाद में कितना धमादार युद्ध हुआ है. उसी हिसाब से थोड़ा शांत वातावरण यानी एक ही चीज है, बहुत बड़ा आगे धमादार युद्ध आने वाला है. तो बी प्रिपेयर्ड, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, डोंट टेक एनीथिंग फॉर नेग्लिजेंटली. भौतिक दुनिया ऐसी हैरान करती है माता जी, इफ यू आर नॉट ऑन गार्ड प्रॉब्लम आएगा ही. ओके, एनीथिंग, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? Prabhuji, thank you. My second question is, I read in Prabhupada Lilamrita, जिसमें Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj कहते हैं कि हम लोग cheating कर रहे हैं, हम लोग imitate करते हैं, हमको ऐसा लगता है हम एक एक साथ एक जपा में एक यहाँ पे बैठ के chanting कर रहे हैं. लेकिन जैसे कि उन्होंने ये लिखा है कि हम हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान सेंट को कॉपी करके हम ऐसे बैठे तो है, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, जब हम चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है. तो ये सब चीटिंग बिजनेस है. तो माय क्वेश्चन इज प्रभु जी, हाँ ये तो सच है, वी आर नॉट एज सिंसियर एज, वी आर नॉट एनीवे क्लोज टू दैट सिंसियरिटी जिनकी वो बात करे. लेकिन क्या अगर ये ऐसा ही चलता रहा है प्रभु जी, हम
इसका मतलब ये तो नहीं है हम करे ना, कर तो रहे हैं, तो क्या आगे जाके कुछ साल के बाद ऐसा हो सकता है कि वी विल स्टिल गेट द मर्सी प्रभु जी, या कुछ इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है? माता जी ये जो है भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर वो लोग के लिए बोल रहे हैं जो लोग जो है जपा कर रहे हैं लेकिन उसका इंटेंशन जो है शुद्ध भक्ति नहीं है, उनका इंटेंशन को दूसरा कुछ है, दिखावाबाजी कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑफ दैट लेवल। हम जो है कृष्ण भक्ति करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। वी वॉन्ट टू बी इटर्नली सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जी मेरा स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, हमको कोई भी भौतिक चीज नहीं चाहिए। ये जब हमारी कॉन्सियसनेस है, हाँ हमारे में अनर्थ है, हमारे में शॉर्टकमिंग है, हम इतने शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। अगर ये दो चीज बराबर है, इंटेंशन बराबर है और हमारा मोटिव दूसरा कुछ नहीं है, कृष्णा विल नॉट कंसिडर इन दैट वे। दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल कि जो बहुत जपा करता है लेकिन उसको चाहिए तो दूसरा ही कुछ, उसको ये सब चीज नहीं चाहिए, उसको भौतिक चीज चाहिए, दैट इज चीटिंग बिजनेस। फॉर देम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, नॉट फॉर पीपल लाइक दोज हु वांटेड अ वेरी क्लियर इंडिकेटर, क्लियर कॉन्शियसनेस। हम अभी 192 राउंड चैंटिंग करने वाले हैं, हम कुछ भौतिक चीज नहीं मांगने वाले हैं। हम 128 राउंड करे किया भी हमने भौतिक चीज मांगा, ऑन द कॉन्ट्री जिस दिन हमारा 128 हुआ उसके दूसरे दिन हमने क्या प्रयास किया, कृष्णा आई जस्ट वॉन्ट टू बी इटर्नली योर सर्वेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। और आप देखना आपके हमेशा आपका जपा अच्छा नहीं भी हुआ होगा लेकिन आपने ये इंटेंशन बराबर रखा है ना, यू आर ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाई वी आर ब्लिसफुल? बिकॉज कृष्णा अप्रिशिएट दिस कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई। Is it okay? Hare Krishna, Hare Bol. Yes, Vipul? The next question is from Shamba Majumdar Prabhu from Kolkata. Oh. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Dhanyavad Pranam, Dhanyavad Pranam, Prabhu. Prabhu, aisa kya hota hai, Prabhu, ke bhakt log 16 माला जप कर रहा हो, चार नियम पालन कर रहा हो, सब कुछ अच्छी तरह कर रहा है, धाम यात्रा कर रहा है, वृंदावन मैपुर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कृष्ण के ऊपर उसका 100% कन्विक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा प्रभु क्या क्यों हो रहा है और इसको कैसे ओवरकम करना है? प्रभु, he should take full shelter of Prabhupada books and have a very strong association of sincere devotees. सिंसियर डिवोटीज के साथ में एसोसिएशन करोगे और अच्छे तरह से प्रभुपाद का बुक्स का शेल्टर लोगे। प्रभुपाद के बुक्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इनफैक्ट आई वी विल बी स्पीकिंग ऑन नेक्स्ट संडे जो है, फ्राइडे को जो है प्रभु हम लोग का जन्माष्टमी है, सैटरडे को विपुल प्रभु विल टेक ए कॉल कि हमको जपा कैसा रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से रात को जो है प्रभु 12 बजे आरती होगा, फिर घर पे आते आते जो है मंदिर से आते आते लेट हो जाएगा, तो सुबह में हम जपा का क्या प्रोग्राम करेंगे, दैट पीपल विल डिसाइड। बट संडे के दिन प्रभु विल डेफिनेटली मीट, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन प्रभुपाद। प्रभुपाद हैप्पीनेस डे ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये सब रात को लेट होने की वजह से, तो प्रभु संडे विल मीट। प्रभुपाद वाज सो क्लियर, क्या क्रिस्टल क्लियर थे प्रभु जी, उन्होंने उनको पक्का पता है शुद्ध भक्ति इज द ओनली स्टैंडर्ड। तो अगर आप प्रभुपाद की पुस्तक बराबर पढ़ोगे प्रभु, so you will understand what is the goal, or you have to association with sincere devotees, Prabhu. Hardcore devotees, Prabhu, humko kya chahiye? Aaj hum log jo bhi discuss kiya, what, where you are going to get this type of a knowledge? Very clear. We are loving Krishna because we understand, accept Krishna consciousness, there is no other shelter in this material world. We know, we are convinced. Agar aise bhakto ke sang ke andar aap rahoge, Krishna will definitely take care of you. ये खाली ऐसा ही होता है कि जो है प्रभु जी, देयर इंटेंशन इज नॉट क्लियर, दे हैव नो सीरियस मोटिव फॉर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन दिस प्रॉब्लम कम्स अप। बट नॉर्मली इफ यू आर वेरी सीरियस, कृष्णा विल अरेंज। राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा इज इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन डिवोशनल लाइफ। कृष्णा जस्ट वॉन्ट्स टू टेक ए चांस, थोड़ा एक चांस मिल जाए इसको कृष्णा भक्ति में लाने के लिए, थोड़ी सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा विल कम रनिंग टू यू। But you have to prove your sincerity that you are coming only for this motive, no other motive. हाँ, हो सकता है कि आपके अंदर अनर्थ है, आपके प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप अगर कृष्णा के सामने बोले कि मुझे चाहिए ये, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे इसमें से निकलना है, और आप सीरियसली आपके एक्शन से बता रहे हो, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। Is it okay, प्रभु? Yes, प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Yes, Vipul, anything else? The last question is from Jayashree Mataji from Pune.
या हरि बोल माता जी, आई नो यू। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडत प्रणाम। हरे प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा माता जी का दर्शन करके, बहुत बहुत खुशी हो रही है माता जी को मिलके। आप लोग ने दर्शन कर, आप लोग ने, आपकी वजह से ही आई है वरना वो गई होती थी वो नहीं होती थी अभी बोलिए माता जी, आपकी वजह से हम है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ना, हम पहले ग्रुप में पढ़ाई करते थे भागवतम वगैरह, लेकिन 15-20 दिन से हम पढ़ाई स्टॉप किए हैं क्योंकि जन्माष्टमी का कलेक्शन वगैरह करना है। तो 15-20 दिन से जब से हमने पढ़ाई बंद कर दी है, मतलब प्रभुपाद बुक पढ़ना बंद किया है, और तब से ना हमारा मतलब जपा, बिल्कुल जपा करने का मेरा मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है जपा करने का। 16 माला कब खत्म हो जाए, कब भीड़ बैग रखू, ऐसे लग रहा है मुझे कि जपा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। तो डर लग रहा है मुझे कहीं मैं भक्ति से चली ना जाऊं, तो मैं क्या करूं प्रभु जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वेरी नाइस, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक जो है ना माता जी, इवन मेरा भी हालत हो गया था। मैं 9 दिन जो है ना मंदिर हॉस्पिटल में रहा ना, तो मैं आप लोग के साथ में नहीं रहता था ना, तो मुझे सुबह में जो है 1-2 दिन तो मैं गिरधारी मंदिर गया था, लेकिन दूसरे सब दिन में मुझे लग रहा था कि यार भक्तों का संग भी नहीं हो रहा और मेरी जवाबदारी भी यहाँ पे है, मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं भी ढीला हो गया था। सो दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस कि हमको ये जपा का प्रोग्राम, ये कॉन्शियसनेस, सुबह में हमारे साथ में जपा बैठ करके आना, ये सब चीज जो है बहुत जरूरी है। मेरा ये दावा है, मेरा ये हमेशा ये दावा है माता जी, हर एक भक्त अनलेस अंटिल कोई एकदम सीरियस कोई मैटर होगी और उसका वो मैटर की वजह उसका कोई रास्ता ही नहीं है और उसको छोड़ना ही पड़ता है तो बात अलग है, कृष्णा उसको संभाल लेंगे। लेकिन अगर इंटेंशनली ऐसा कोई बहुत बराबर इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है लेकिन फिर भी उसने जपा को प्रायोरिटी नहीं दिया ना माता जी, खाली 8-10 दिन का ही सवाल है, मैक्सिमम 15 दिन में बोल सकता हूँ। 15 दिन अगर वो भक्त जो है हमारे साथ में जपा नहीं करेगा ना, 16वां दिन पे ही जो है माता जी उसका जपा के अंदर प्रॉब्लम चालू हो जाता है। Take my words, I'm seriously telling, ये मैंने कितने devotees का देखा है। इसलिए और हमको सबको पता है कि हम जो कुछ भी जपा के अंदर जो भी अभी हम कर रहे हो ना, ये जो है भक्तों की कृपा से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक ही आसन में एक ही सिटिंग में जपा करते, वो माहौल इतना सुंदर होता है, वही हमको पूरा दिन का नरिशमेंट देता है। और उसमें अगर गड़बड़ कर लिया ना, तो राधानाथ महाराज हमेशा मुझे हमेशा ये कहते हैं, दो चीज जो है ना माया बहुत ध्यान से वो माइक्रोस्कोप लेकर के चेक करती रहती है, और वहां पे अगर दो चीज के अंदर उसने कोई भी किसी ने भी भक्त ने थोड़ी भी गड़बड़ किया ना, तो उसके पास एक सबसे बड़े हथियार हाथ में आ जाता है, और वो हथियार की वजह से वो माया आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से खेलती है। और वो दो चीज क्या है, एक तो लैक इन साधना, अगर आपने साधना में थोड़ी भी बेदरकारी दिखाया तो वो उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, आपको सीधा कृष्ण भक्ति से निकाल देगी। और दूसरा, आपने वैष्णव का अपराध किया और इंटेंसली अपराध किया है, और आपने जो है ना वो इंटेंशन आपका फॉल्स ईगो की वजह से आपने वो वैष्णव को नीचे गिराने की पूरी कोशिश किया। अगर ये दो चीज आपने किया ना, तो माया के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो हथियार से आपको सीधा आपको फेंक देगी। तो एक सिंसियर और एक मैच्योर डिवोटी उसको बोला जाता है कि जो डिवोटी ये दो चीज पे बराबर प्राधान्य रखता है, अपनी साधना पे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि उसको पक्का पता है थोड़ा भी ढीला हुआ तो माया मुझे मार देगी। मेरे को एक साधु है, आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ, थोड़ा विपुल थोड़ा टाइम ले लूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को, मैं तुलसी ठीक है तो मुझे बात करने में वादा नहीं आज। तो जो है मेरे को एक साधु ने बहुत सुंदर बताया है, एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली नाउ टुडे। वो मुझे बोलते थे, अभी तो ये सन्यासी हो गए वो, बट आई नॉट मेंशन हिज नेम। उन्होंने मुझे बोला, एक दिन आपका जपा बराबर नहीं हुआ, आपकी कॉन्शियसनेस बराबर नहीं रही, आपने कृष्णा को बराबर इंटेंशनली याद करके बराबर फोकस करके कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर पकड़ करके नहीं रखा, एक दिन बराबर नहीं हुआ, तो आपको खुद को समझ में आ जाता है आप में कुछ गड़बड़ है, आपके अनर्थ आपको मारते हैं, आपको फाइट देने की शक्ति जो है वो ढीली हो जाती है, आपको आपको जो है आपको किधर भी कुछ प्रॉब्लम आया तो आप हड़बड़ा जाते हो, एक दिन भी जपा बराबर नहीं हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन, 2 दिन अगर आपका जपा बराबर नहीं हुआ,
तो आपके जो आजू बाजू वाले जो फैमिली मेंबर्स है ना, उसको सबको मालूम हो जाता है, आपको तो मालूम होता ही है, लेकिन वो लोग सब लोग को भी मालूम हो जाता है कि आप में कुछ गड़बड़ है। आपका व्यवहार, आपका आदान प्रदान, आपकी व्यवहार, आपका सब चीज में से समझ में आ जाता है कि उसमें गड़बड़ है। और तीसरे दिन तीसरे दिन अगर आपका जपा बराबर नहीं हुआ है, सबको मालूम हो जाता है तुम्हारे में कुछ गड़बड़ है। कोई बोलेगा नहीं क्योंकि अपराध हो जाएगा, ये वो हजार चीज होगा, लेकिन सबको मालूम हो जाता है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। दैट इज सो मच, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, वो एक एक इंडिकेशन देता है हाउ मच वी आर डिपेंडेबल, हाउ मच वी आर सो मच एब्सोल्युटली डिपेंडेबल। जैसा एक मछली होती है ना, मछली मछली पानी के बिना रह नहीं सकती है, उसको कुछ भी दो उसको जमेगी नहीं, उसको पानी चाहिए। उसी हिसाब से माता जी हमारे लिए सुंदर वैष्णव का एसोसिएशन, हरिनाम, ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में हम बैठेंगे और पहला ही लाइफ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा को देंगे। हम ऐसा बॉर्डर लाइन पे ही है, लेकिन ऐसा ये जिंदगी के अंतिम क्षण तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे ना, हम शुद्ध नहीं बनेंगे। डेफिनेटली हम उतना लेवल का जो कृष्ण हमको जन्माष्टमी के वक्त हमको बता रहे हैं ऐसा ऐसा तुमको रहना है, जैसा भगवत गीता में बताया, हम वो उतना नहीं भी बने, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, हमने ये कॉन्शियसनेस बराबर मेंटेन किया, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा को दिया। तो जैसे राधानाथ महाराज मुझे हमेशा कहते हैं, कृष्णा की अहेतु की कृपा से तुमको धक्का लग जाएगा, एंड दैट इज द ओनली होप यू हैव। तो मेरा रिक्वेस्ट है, टेक इट सीरियसली। आपको जो है, जो कुछ भी आपको करना है, वो जो भी आपकी सेवा है, ऐसा बैलेंस करो कि ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करो जिससे आपका दोनों चीज बराबर टू द बेस्ट यू कैन आप कर सके, दैट इज द ओनली वे। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, हरे बोल। यस विपुल जी, एनीथिंग एल्स? रोजी, देयर आर टू मोर क्वेश्चंस। वन इज फ्रॉम हिना माता जी, वन इज फ्रॉम प्रेममय माता जी। प्रेममय माता जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। ओ हरि बोल माता जी, आप किधर हो? अमेरिका, अरे दुबई में हो कि केरला में हो कि कहाँ पे हो? मेरे कल केरला में ही है प्रभु, अभी केरला है। अच्छा, आपने यूएई लिखा है तो मुझे होगा दुबई पहुंच गए आप। चार दिन बाद। आई हैव टू टेल यू वन थिंग बिफोर माता जी आस्क क्वेश्चंस, आई हैव टू टेल यू दिस, माता जी सो सिंसियर, बाप रे, आई कांट इमेजिन। अभी वो राम का वो सब जगह पे यात्रा में गई थी तो कहां पर भी मैंने देखा उनको, जनकपुर में भी उन्होंने हमारे साथ में कनेक्शन में रही, प्रयाग में भी हमारे साथ में कनेक्शन में रही, अयोध्या में भी वहां पे हमारे साथ कनेक्शन में रही। मेरा ख्याल से चित्रकूट, ऐसा कुछ चार पांच जगह से जो है आई वो शॉक कि माता जी वहां पे यात्रा में है, लेकिन वहां से सुबह के टाइम पे हमारे साथ में कनेक्शन लेकर के हमारे साथ में जपा करती है। और अभी कुछ केरला में थी तो मैंने कल केरला देखा, तो मैं अभी केरला गई लगती है कुछ फैमिली के साथ में, लेकिन आखिर मैंने वो यूएई देखा और उनका लड़का देखा था सुबह में, तो मुझे वो लोग दुबई पहुंच गए लगते हैं। लेकिन आई वाज सो हैप्पी एंड सी दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एब्सोल्युटली किधर भी है सुबह में जपा तो करना ही है, क्यों ना अभी वो मोबाइल लेकर के टक्कू टक्कू करके सब लोग के साथ में जपा ना कर लेंगे और सुबह में वही टाइम पे जपा कर लेंगे। सच्चे नाइस इंस्पिरेशन प्रभु, सच्चे नाइस इंस्पिरेशन। आई हैव टू टेल यू प्रभु जी, दिस इज माता जी, दिस इज द बेस्ट प्रीचिंग यू आर डूइंग, बेस्ट प्रीचिंग कहां पर भी है। और अपने को भगवान की दया से ये ऑनलाइन सिस्टम इतनी सुंदर है ना, कहां पर भी हो तुम छत करके कनेक्शन हो जाता है, तुम भक्ति के भक्तों के संग के अंदर जपा कर सकते हो। दिस इज सो नाइस। आई हैव लर्न्ड ए वेरी गुड लेसन इसमें से कि अगर मैं भी अगर किधर भी गया ना तो मैं टक्कू टक्कू करके आप लोग के साथ में कनेक्शन रह सकता हूँ। इट इज सो इजी, इट इज सो सिंपल। एंड माता जी जो है वो भले यात्रा में गई, लेकिन वहां पे जाने के बाद में भी वो सबके साथ में यात्रा में गई, लेकिन यह दे आर ऑल्सो शी वॉज सो फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो प्रभु जी दे रैंग मी अप, आई टोल्ड दैट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एवरीथिंग, एंड दे वर सो फोकस, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। यस माता जी बताइए क्या इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। पहले तो माता जी को देख के बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग सही है और प्रभु से मेरा आप लोग को चाहिए थी तुलसी, इसलिए वो आ गई, नहीं तो वो चली जाती थी। यस प्रभु, चाहिए माता जी का प्रसाद। स्वार्थ भी है प्रभु जी, और प्रभु वो सुबह रहने का भी हमारा स्वार्थ ही प्रभु, नहीं तो फिर चैंटिंग होता ही नहीं है, साथ में हो गया तो साथ में कोई बात नहीं करता है।
एक बार जूम खोल लिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, नहीं तो बिना जूम के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बहुत होता है चैंटिंग में। लेकिन प्रभु जी ये सब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे, मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ कि मेरा शायद एक राउंड भी प्रभु जी पूरी तरह से फोकस नहीं है, और भोग लगाने को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन प्रभु चेतना जो रेगुलर आनी चाहिए वो चेतना रेगुलर नहीं रह रही है प्रभु जी, ऐसे लग रहा है कर रहे हैं। आपने बोला चैंटिंग करना सारे दिन, तो बस हाथ में माला है लेकिन मन तो किधर है, माइंड किधर है प्रभु, बस मोती घूम रहे हैं। तो प्रभु कैसे ये कहाँ, मतलब हियरिंग प्रॉपर नहीं है मुझे ऐसा लगता है शायद, लेकिन फिर भी प्रभु आप बताइए ना कैसे ये पॉसिबल होगा प्रभु जी। जो माता जी को एक दिन छोड़ती नहीं है जपा करने का, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस क्या अच्छी है, वेरी नाइस। माता जी एक चीज होता है इसमें, जब भी कोई भी भक्त जो है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियसली एडवांस करने की कोशिश करता है ना, तब उसमें एक बहुत अच्छा चीज होता है। पहला जो है ना वो पूरा पूरा कचरा होता था ना, तो भी उसको लगता था मेरे को कोई भी कचरा नहीं मेरे जीवन में। जब व्यक्ति कर्मी लाइफ में जीता है ना, तब उसके सामने पूरा पूरा अनर्थ का पूरा पूरा बैंक पूरा पूरा ट्रकलोड बोलते ना, ऐसा होता है तो भी उसको लगता है कि मैं तो बहुत शुद्ध हूं। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब भी सीरियस भक्त एडवांसमेंट करता है ना, तो उसको थोड़ा भी कचरा लगता है, कचरा दिखता है ना, तो उसको पूरा ट्रकलोड जैसा लगता है। जस्ट इमेजिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है गोपीनाथ का भजन गाते, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विश्व या पूरा गद गद करके विश्व के साथ में पूरा रचा पचा हूं। कैन यू इमेजिन भक्ति विनोद ठाकुर विल थिंक दैट वे, टू हूम वी आर कंसिडरिंग इट्स अ सेवंथ गोस्वामी। लेकिन ये साइन है ये डिवोटी की, उसको थोड़ा भी दिखता है तो उसको बहुत बड़ा लगता है। क्यों बड़ा लगता है? क्योंकि उसने जो है ना वो प्रेम जो है ना कृष्ण भक्ति का प्रेम उसने आस्वादन ले लिया है ना, उसने वो टेस्ट ले लिया है, तो उसको थोड़ा भी डिस्ट्रक्शन उसको जमता नहीं। लेकिन मैंने महाराज को बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, मैं तो महाराज ये क्यों ऐसा करते हैं? अभी वैसे भी हमको पता है तू की कृपा ही है, क्यों ना कृष्ण हमको निकाल दे इसमें। अच्छा प्रेम से 24 आवर्स एकदम 365 डेज जो भी 70-80 साल जियो, इतना ब्लिसफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों नहीं करवाते? मालूम है हम उसके ऊपर ही डिपेंडेबल है। महाराज बहुत सुंदर जवाब देते हैं। महाराज मुझे कहा है ये तुमको हम्बल रखने के लिए, थोड़ा बहुत बीच में ऐसा है ना गड़बड़ करवाते रहेंगे, जिससे तुमको हम्बल रहेगा, तुमको समझ में आएगा मेरी औकात क्या है, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मेरी क्या औकात है, कृष्णा के बिना मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, मेरी औकात यह है। लेकिन कृष्णा और भक्तों के वही एसोसिएशन की वजह से मेरी जो है लाइफ में क्लीन बहुत चेंज आ गया है, बट आई नो व्हाट आई एम। और वो ह्यूमिलिटी से वजह से, जो ह्यूमिलिटी तुम मेंटेन करोगे ना, तो ह्यूमिलिटी से जो है कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज ऑल्सो, एंड आप कोई अपराध भी नहीं करोगे। नहीं तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो है बहुत जल्दी कृष्णा ने अहेतु की कृपा करके सक्सेस दे दिया, और वो सक्सेस की वजह से हो सकता है तुम्हारे में प्राइड आ जाएगा, और वो प्राइड आने जाने की वजह से जो है तुम्हारा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि तुम अपराध कर लोगे, और अगर वो अपराध हो जाएगा तो तुम्हारे को वापिस मर्सी चली जाएगी और वापिस जीरो से लाइफ चालू करनी पड़ेगी। वो नहीं करने के लिए थोड़ा झटका दे देते करके उनको बराबर कंट्रोल में लेवल में रख करके जिंदगी निकाल रहे हैं। ठीक है माता जी, ऑल वी हैव टू डू इट इज जस्ट शो योर कंसिस्टेंसी। जब भी कभी ऐसा लगता है मेरे में सुधरता नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक बार मैंने महाराज को पूछा, महाराज मेरे को कुछ सुधर ही, मेरे में कुछ सुधरापना लगता ही नहीं है, ऐसा ही करता रहता हूँ, लेकिन जस्ट गो ऑन डूइंग इट एंड शो योर थरो सिंसियरिटी। कृष्णा जस्ट वॉन्ट्स टू सी टू इट कि इवन आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग येट दिस पर्सन इज लीविंग मी और स्टिल कीपिंग इट। इफ यू कीप इट दैट मीन्स कृष्णा विल कंसिडर यू बी अ सिंसियर डिवोटी, and if you leave it then Krishna will think you are insincere. ऐसे खींचते रहो। माता जी एक तो पक्का है ना, कृष्णा भक्ति में आने के पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं हम, उतना तो समझ में आ गया ना, कितनी अहेतु की कृपा से कहां के कहां निकल गए हम लोग, कैसे क्या करते थे हम लोग। यस प्रभु जी बहुत बहुत कचर है यार, क्या करते थे हम लोग, क्या क्या मिल गया है, क्या मिल गया है। I can tell you from my core of my heart, ये जो 12-10 दिन जो हमारा लाइफ में गया ना, तब मुझे समझ में आ गया कि मेरे हमारे फैमिली मेंबर्स भी जो होते हैं ना, वो भी इतना प्रेयर्स नहीं करते थे जितना डिओटिस ने प्रेयर किया है। क्या फैमिली मिल गया, क्या डिओटिस मिल गया, क्या इंटीमेसी मिल गया,
अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग ये हमारा जूम में आई कैन टेल यू के 80% 75-80% डिवोटीज को मैं मिला ही नहीं. यार देयर इज सो मच लव अमंगस्ट ईच अदर. क्यों? क्योंकि सबको पता है ये लोग को मेरे से कुछ नहीं चाहिए और भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे भी उनसे कुछ नहीं चाहिए. और उसमें जो प्रेम इतना गाढ़ा बन जाता है, इतना गाढ़ा प्रेम. सो इतना सुंदर मिल गया और फिर अभी छोटे छोटे चीज के लिए हम अलर्ट रहेंगे, ऑन गार्ड रहेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो कृष्णा भी देख गया. जस्ट कंटिन्यू. और फिर किधर भी रहो, जनकपुर रहो, प्रयाग रहो, हमारे साथ जपा करते रहो. आपने इतना अच्छा अच्छे तरीके से बताया कि इतना सब मटेरियल वेल्थ और पावर पोजीशन स्टेटस सब चला जाएगा, उसका क्या फायदा? तो अगर हम अपना पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह इसका मतलब करने का कोई फायदा नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा मिजरेबल हो जाएंगे, तो फिर क्या करें? दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है. रंगनाथ महाराज हमेशा जो है ना हमारे ये शुरुआत के दिन के अंदर हमारे मंदिर के अंदर बहुत ब्रह्मचारी जो है ना 90% ब्रह्मचारी प्रोफेशनल है. 90% हमारे राधा गोपीनाथ ब्रह्मचारी जो है आइदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दे आर लॉयर्स और दे आर एमबीएस, दे आर आईआईटीज, दे आर डॉक्टर्स, ऐसे सब है. और मोस्ट ऑफ द ब्रह्मचारी दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. तो जब भी और वो सब लोग जो है ना कॉलेज प्रीचिंग से ही आए गए थे. और जब कॉलेज प्रीचिंग से आने के बाद में जो है प्रभु वो लोग सब लोग को जब इतना इतना डीप फिलोसॉफी जब दिया गया ना तो सब लोग ऐसा ही कहते थे महाराज को कि नहीं हमको नहीं कर पढ़ाई नहीं करने का, इधर प्रॉब्लम ही रहने वाला तो क्यों ये सब झमेले में जा रहे. प्रभु महाराज वॉज सो मच एम्फसाइजिंग नो सबको करना है, सबको पढ़ाई करना है. दिस इज ओनली एज अ सर्विस टू द लॉर्ड. और उस समय कितने डॉक्टर्स जो थे ना और डॉक्टर्स लोग जो है पढ़ाई छोड़ देना चाहते थे. महाराज ने उनको सबको तो ग्रेजुएशन नहीं करवाया, सबको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाया. और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में इतना सुंदर डॉक्टर का माहौल बन गया कि ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो है ना ये बेसिकली जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का मेन मीनिंग जो था ना प्रभु, मेन रीजन ऑफ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल वॉज नॉट टू सी दैट हम लोग सब लोग की सेवा करें, लेकिन एक ही पहला मेरा वो था सबकी सेवा करें, लेकिन पहला हेतु ये था कि हम सब डॉक्टर लोग साथ में ही रहे. सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन इतना डॉक्टर्स किया है हम लोग ने, लेकिन हम हमारे सबको अलग अलग फील्ड में से महाराज ने करवाया था, लेकिन हम साथ में ही रह करके भक्तों का एसोसिएशन में ही भक्ति करें. और उसके वजह से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल चालू करवाया. और फिर बाद में तो भी इतना बढ़ गया कि हमको बाहर का डॉक्टर भी लाना पड़ रहा. अभी तो मैं कभी गया भी तो मैंने देखा कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल 300 बेड की हॉस्पिटल हो गई है. बाप रे, मैंने बोला प्रभु जी क्या हो रहा है, क्योंकि इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है. एनीवे, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु जितना आप पढ़ाई करोगे एज ए सर्विस टू द लॉर्ड और फिर वो चीज जो है कृष्णा की सेवा में डालोगे और वो कृष्णा की सेवा में डालने के बाद में जो आपके लाइफ के अंदर रियलाइजेशन जो आपके जीवन में आएगा, किक लगेगी, डिफिकल्टीज आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो एक बार जो आपने कृष्णा की सेवा के लिए आपने वो पढ़ाई किया और फिर सेवा करने के लिए आपने जो ये सब करने के बाद में आपने वो सब चीज आपकी आपका आपका डिग्री जो है वो सेवा में लगाया, उसमें थोड़ी किक भी लगेगी और वो किक में जो है आपने कृष्णा को सेंटर में रखने की वजह से आपको वो रियलाइज आपको इतना सुंदर मैच्योर रियलाइजेशन मिलेगा और वो रियलाइजेशन जो है आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत स्टेबल रख देगा. अगर आप जो है ऐसे ही छोड़ दोगे ना प्रभु, जो है प्रभु यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी, एट द सेम टाइम योर पर्सनल कृष्णा कॉन्शियसनेस विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब. हमारे जो है राधेश्याम प्रभु जो है पूना में जो है इतना सुंदर प्रचार करते हैं. राधानाथ महाराज हमेशा बोलते वो एमटेक है, तो बोलते कि वो एमटेक क्यों हुआ, कृष्ण भक्ति में आए गए थे पहले से तो भी एमटेक क्यों हुआ, लेकिन आज के दिन वो एमटेक आए राधेश्याम प्रभु इतना सुंदर लोगों को प्रचार करते और लोग एमटेक देख करके जो है प्रभु लोग उनके पास से सुनने जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो है आलतू फालतू आदमी नहीं है, एमटेक वो आदमी है और वो कृष्ण भक्ति के अंदर इतना सिंसियरली जो है बोलता है, ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत कन्विक्शन के साथ में बोल रहा है. इस हेल्प सो मच इन प्रीचिंग आल्सो. और उनका भी कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है. इतना राधेश्याम प्रभु इतने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं,
बच्चे लोगों को, यंग बच्चे को डिवोटी बनाना बहुत कठिन, इतनी कंडीशनिंग सबको आती है, उसमें से इतना यूथ प्रीचिंग। प्रभु जी, आई थिंक आई हैव हर्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है पुणे इज द ओनली प्लेस वेयर मैक्सिमम यंग बॉयज हैव बिकम अ डिवोटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग ऑफ राधे श्याम प्रभु। लेकिन उनका रियलाइजेशन देखना, आई टू मेनी टाइम्स आई टू मीट एंड टू हैव सच अ डीप टॉक, इतना हार्ड को रियलाइजेशन उसके लाइफ में आ गया है। क्यों रियलाइजेशन आया? क्योंकि वो रगड़े, वो क्वालिफिकेशन के साथ में रगड़े, और रगड़े से रगड़ने के बाद में इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस का, राधे श्याम प्रभु को तुम टच के मस्त नहीं कर सकते, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए वो। दिस हैज कम बिकॉज ही स्ट्रगल्ड प्रभु, और स्ट्रगल्ड वाई? नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ओनली फॉर कृष्णा। दिस मेक्स वेरी मच कृष्णा कॉन्शियसनेस प्योर। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। इमैच्योरिटी में भागना नहीं है हमको, इमैच्योरिटी से भाग करके कुछ मिलता नहीं है प्रभु। रगड़ना इधर, अभी सिर्फ झुकाइए तो पूरा झुका देंगे ना भाई, क्यों आधा आधा रखेंगे भाई, पूरा रगड़ देंगे यार। ऐसे भी तकलीफ है, क्यों ना बराबर सिस्टमेटिक तकलीफ करके, तकलीफ देख करके ही जावे और कृष्णा को सेंटर में रख करके निकले। आई कैन टेल यू प्रभु, थोड़ा खुला बोल दू विपुल, अभी टाइम नहीं है। प्रभु जी, आई कैन टेल यू, लोग मेरे को हमेशा कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस कैनॉट गो टूगेदर, आई एग्री ऑल्सो, आई फुली एग्री प्रभु, स्टॉक एक्सचेंज एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस कैनॉट गो टूगेदर, बट बिकॉज इट वॉज गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन टू मी, तुम स्टॉक एक्सचेंज में रहो। ट्राई नो डाउट, ये जपा बपा सब बराबर ठिकाना करके आए, बट प्रभु आई कैन टेल यू स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी बिग बूम फॉर मी। इतना हार्ड कोर कन्विक्शन मिल गया मुझे, इस समझ में आ गया कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं इम्पोर्टेंट। मैंने ऐसे ऐसे लोगों, अभी कल की बात करता हूँ, अभी आपको तो अभी आपको आपको पता होगा, एक राकेश झुनझुनवाला करके बहुत बड़ा आदमी है, इट वॉज बीन ही वॉज बीन कंसिडर्ड अ वॉरेन बुफेट ऑफ बॉम्बे इंडिया, इतना रिच आदमी है, खाली एक ही कंपनी है टाइटन इंडस्ट्री करके एक कंपनी थी, वो कंपनी में से उसने 11,000 करोड़ रुपया कमाया है, ऐसा बड़ा आदमी है प्रभु, और ही वाज बीन कंसीडर्ड एज अ बिग बुल पर्सन, और क्या क्या हुआ। लेकिन अभी आपको पता है प्रभु, और वो हमारे मंदिर में भी आता था जन्माष्टमी के दिन, जो है राकेश झुनझुनवाला जो है जन्माष्टमी में दर्शन करने को आता था, हमारे एक डिवोटी है वो लेके आते थे उनको। अभी मैंने कल देखा प्रभु, एट द एज ऑफ 62 ओनली, 62 में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, जो भी उसकी खोटी आदत होगी आपके, वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू डिस्कस आल्सो, बट मेरे को ऐसा हिल गया मैं, क्या यार ये दुनिया है यार, करोड़ों रुपया, अब्बों रुपया, करोड़ अभी अब्बों जो रुपया उसके पास था, ही वॉज कंसिडर द बिग बुल ऑफ इंडिया, वहां तक के प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट्स दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कमेंट दिया, लेकिन मेरे को बिचारा रहा, वो किधर गया होगा अभी, वो किधर गया, हजारों करोड़ रुपया वो तो बेचारा छोड़ दिया ना, जैसे मैंने बोला ना धीरू भाई अंबानी को बोलेगा कुत्ते का जो है गेट के पास, उसका फैक्ट्री के सामने कुत्ता बनेगा तो क्या होगा, वो भी बेचारा जो है इधर इधर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आजू बाजू में कुत्ता बना होगा तो क्या होगा, वैसे बोल सकते हैं मेरे पास इतना करोड़ों रुपया खत्म। कितनी भौतिक दुनिया क्रूर है प्रभु, कितनी क्रूर है ये दुनिया, गया 62 में चला गया, बहुत बड़ा एयरलाइंस उसने एक एयरलाइंस आकाश एयरलाइंस करके एयरलाइंस चालू किया था, और वो बड़ा बड़े पायने में एयरलाइंस नया चालू कर दिया था, जैसे वो जेट बंद हो गया तो उसको लगा कि आकाश में मैं घुस जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा काम कर, मतलब वो क्या हो गया अभी, वो कौन संभालने वाला है, क्या होने वाला है, वो तो चला गया, खत्म हो गया 62 में, मेरे को 60 मैं कैलकुलेशन कर रहा, मेरा तो अभी 2 साल बचा है, अगर उसके लेवल में देखूंगा तो हमेशा कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा तो 2 साल बचा है, गया करोड़ों रुपया छोड़ के गया, वो किधर ले गया, किधर गया, और उनको एक भी एक राता पौड़ी भी लेके जा, लेके गया, सब इधर छोड़ के गया, और दूसरी लाइफ जीरो से चालू करने का, क्या भौतिक दुनिया क्रूर है प्रभु। कोई क्यों इसका चर्चा नहीं करते भाई, क्योंकि सब लोग को मालूम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस पर बात ही नहीं करने का, दिस इज नॉनसेंस। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, स्टॉक एक्सचेंज में क्या शिक्षण मिल गया मुझे, भले ये लोग के साथ में रहूं लेकिन इसके जैसा होने का नहीं है, सिंपल है, मुझे इन लोगों के जैसा नहीं होने का, राइट टाइम पर निकल जाने का है भाई।
This is possible only when you do the service as per your guru instruction and not taking a shortcut route. Shortcut route matlab jo bhi natural cheez hai aapke jeevan mein karo, ragdao. Kabhi kabhi to aisa bhi aap bahut log aisa bhi bolte hain, are shaadi kyu karne ka, shaadi nahi karne ka, khatkatbaji nahi hai. लेकिन प्रभु वो क्रेविंग जो है ना, वो क्रेविंग आपको भक्ति में डिस्टर्ब कर देगा, तो उससे बेहतर रगड़ो रगड़ो, और रगड़ने के बाद में वो क्रेविंग को दबाने की कोशिश करो, और फिर बाद में रियलाइजेशन मिलता है कि ये क्रेविंग भी निकलना नहीं है और मेरा कृष्ण भक्ति भी डिस्टर्ब हो गया है, कितना मेरे को कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा. वो जब रियलाइजेशन आएगा ना, तब तुम्हारा मैच्योरिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस का इतना स्ट्रांग हो जाता है. दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स. फाइनली कृष्ण को एक ही चीज तुम्हारे पास से चाहिए, हार्ड कोर अंदर से ज्वाला आ जानी चाहिए आपके जीवन में, मेरे को कृष्णा के सिवा मेरे लाइफ में दूसरा कुछ नहीं है. ये ज्वाला अगर आ गई, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, एंड फॉर दैट ज्वाला यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. जलना पड़ेगा भाई. ऐसा नहीं है कि सब लोग को जलना पड़ेगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जरूरी है. शुद्ध भक्त है उसको जरूरत नहीं होती है प्रभु, बट फॉर ए पर्सन लाइक अस वी नीड इट. Is it okay, Vipul Prabhu? Anything else, Prabhu? No, Prabhu. Should we end it, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you very, very, very much. I'll be able to. I'll give a class on Sunday on Prabhupada. Because Prabhupada ji ka appearance day hai Saturday, but Saturday ko I think devotees will not be able to come so much because 12 baje aarti hogi, raat ki aarti hogi. सब खत्म होते होते 2-3 बजे का, तो फिर जो है प्रभु सुबह के टाइम पे भी अभी विपुल प्रभु और देविल टेक ए कॉल कि क्या करना है. लेकिन सो आई विल नॉट गिव ए क्लास एनीथिंग ऑन सैटरडे, बट संडे प्रभु जी एज यूजुअल आई विल गिव द क्लास आफ्टर द आफ्टर आवर जपा गेट्स ओवर. इज इट ओके विपुल जी? एनीथिंग एल्स? देयर आर 52 कमेंट्स आर देयर, प्लीज सेंड मी ऑल दोस कमेंट्स. आई वांटेड टू सी यू वुड, कोई हैवी तो नहीं है ना. एनीथिंग एल्स प्रभु? शुड वी एंड इट? यस प्रभु. Okay. Thank you once again, Prabhu, for taking care of us. Completely indebted for all of you, for eternally indebted for all of them. Because of you only we survived in this material world. Otherwise, I don't know what has happened in our life. Thank you once again from the core of our heart. So much grateful and thankful for all of you, Prabhu, what you have done for us. Thank you very, very much, Prabhu. We will end it. वंशकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु महेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज.